This conference will now be recorded. अत्यंत हर्ष के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता वैद्य श्री प्रवीण प्रभाकर जोशी सर का परिचय करवाती हूँ। वैद्य प्रवीण प्रभाकर जोशी सर BMS MD हैं शल्य तंत्र में, आयुर्वेदीय पंचक्रम चिकित्सालय धुलिया में सर अपनी चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। सर की अष्टांग आयुर्वेद फार्मेसी व धनवंतरी आयुर्वेद फार्मेसी नामक औषध निर्माण की इकाइयां हैं। सर की धनवंतरी आयुर्वेद शिक्षण संशोधन संस्था है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद विद्यार्थियों हेतु पंचकर्म प्रशिक्षण, जड़ी बूटी खेती, गांवों में पंचकर्म शिविर, किफायती दवाइयों के कल्प निर्माण कार्यशाला, अष्टांग हृदय वाचन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। सर ने विभिन्न संस्थाओं में पदों पर रहकर अपना योगदान दिया है। पूर्व उपाध्यक्ष प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन, पूर्व प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र आयुर्वेद महासम्मेलन, आयुर्वेद प्रसारक संघ, साने गुरुजी रुग्णालय, महाराष्ट्र आयुर्वेद क्लस्टर, नाशिक विभागीय औषध उत्पादक संघ, बिजनेस नेटवर्क धुलिया, लायंस क्लब धुलिया, नीमा इत्यादि। सर निम्न पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। खड़ी वाले संशोधन संस्था की तरफ से मुंबई वैद्य सभा पुरस्कार, बिजनेस नेटवर्क पुरस्कार, सांडू की तरफ से आयुर्वेद भूषण पुरस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्या नेहा जी। अब हमारे आज के वक्ता उनका मंतव्य रखे उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं सभी श्रोता वैद्यों के लिए। कृपया सब अपना माइक बंद रखे। विवेचन के दरमियान या पूरा होने पर आपके जो भी प्रश्न शंकाएं हैं वो चैट बॉक्स में ही टाइप करें। कोई भी बिना आयोजकों की अनुमति के बीच में कुछ ना बोले। तो मैं गुरुवर्य वैद्य प्रवीण जोशी सर से विनती करती हूँ वो अपना विवेचन शुरू करे। वैद्य प्रवीण जोशी सर नमस्ते। जय धन्वंतरी। वैद्य रेमा गोखपे पंचकर्म महर्षि, उनकी याद करके मैं इस विषय को शुरू करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छी तरह? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मुझे जो विषय दिया गया है वात व्याधि में सामान्य चिकित्सा उपक्रम, तो भागवत जब आप पढ़ेंगे तो भागवत में पहले दोषों के प्रकार, उनके उद्भव स्थान, संचारी स्थान, कार्य, उसके बाद में धातु, कला, ऐसा धीरे धीरे निदान की प्रक्रिया करते करते सूत्र स्थान में ही सामान्य चिकित्सा उपक्रम दिया है। तो दो जो वात का जो चिकित्सा उपक्रम है उसके तरफ अपन ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी उसको उसके साथ साथ कुछ विषयों के तरफ अपन जा सकते हैं। मुझे लगता है एक घंटा मेरे लिए है ये कार्यक्रम के लिए, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बस मेरे पास जो भी जानकारी हो बताने की आपको कोशिश कर। वात का जो उपक्रम भागवत में आपने सबने पढ़ा है, आपको सबको मालूम है कि वातस्य उपक्रम स्नेहा स्वेदा संशोधन मृदु स्वादु आम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगमर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मद्यम पौष्टिक गौरिकम स्निग्धोष्णवस्तया बस्ति नियमा सुखशीलता दीपने पाचने सिद्धा स्नेहाश्च अनेक योनया विशेषान मेद्यपीशी रस तैल अनुवासनी। इतना उपक्रम उन्होंने भागवत में दे के रखा है। अब ये प्रैक्टिस में हम कैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के हिसाब से वात का जो उपक्रम है तो स्नेहा स्वेदा और संशोधन मृदु, इसके तरफ ध्यान देंगे। स्नेहा के बारे में, वात के लिए स्नेह ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, और इसके लिए स्नेह के दो प्रकार हम देखेंगे, बाह्य और अभ्यंतर स्नेह। तो जब पेशेंट अपने पास आता है वात प्रकोप होने वाला, चय प्रकोप प्रसर ऐसा पेशेंट आएगा, कोई भी गुरुग्रसी वाला आएगा, कटिशूल वाला आएगा, जानु संधिशूल वाला आएगा, तो वात दो ही कारणों से प्रकोपित होता है, वायु धातु क्षयात को पर मार्ग से आवरणीन हुआ, यानी मार्गावरण जन्य होगा, सामावस्था और निरामावस्था, ये दो वायु के प्रकार प्राधान्यता प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए भागवत ने ये सामान्य उपक्रम यहाँ दिया है, लेकिन जो वात व्याधि बताने जाए तो वहां केवल निरुपस्तंभम आदौ स्नेह उपाचर है, ऐसा पूरा निराम वायु की चिकित्सा वहां पूरी दे, वात व्याधि चिकित्सा आते हैं। अपन पहले उपक्रम की तरफ ध्यान देंगे। स्नेह बाह्य और अभ्यंतर दोनों भी स्नेह का शब्द हम अर्थ उसमें लेंगे। बाह्य यानी हम विशिष्ट अलग अलग तेलों से
ग्रोथ से वसा मज्जा जो भी हमारे पास पेशेंट को जरूरत है उसकी अवस्था के हिसाब से बाह्य अभ्यंग के स्नेहपान का कार्यक्रम स्नेहन करेंगे। अभ्यंतर स्नेहपान करना है तो सर्पी तेल वसा मज्जा उस पेशेंट की अवस्था देख के हम चूज करेंगे कि कौन सा स्नेह हमको देना है। अभी कल्प का जो वात व्याधि में और बार बार नए नए कल्प बनाना जरूरी रहता है प्रैक्टिस में, तो पेशेंट के ऊपर हम वो कल्प बनाने की प्रक्रिया बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, इसके लिए वो कल्प अलग अलग बनाने हमको लगते हैं। तो इसमें थोड़े से दो चार मुद्दे जो प्रैक्टिकली हम बता दें कि हर बार तेल वात में श्रेष्ठ क्या है तो तेल है, फिर तेल में कौन सा है तो तिल्ली का तेल श्रेष्ठ है, पर हमारे पास अभी तिल्ली का तेल इतनी मात्रा में हम नहीं दे सकते, अब पेशेंट ना अफोर्डेबल कर सकता तो हम उसके लिए सरकी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामावस्था है तो हम एरंडी का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा विषगर्भ तेल प्राय सामावस्था में इस्तेमाल किया जाता है। तो सामावस्था और नियमावस्था जो हमको हर पेशेंट में हम अवस्था जो है वो देखते ही है कि सामावस्था नियमावस्था संतर्पण अवस्था अपतर्पण अवस्था शाखागत अवस्था और कोष्ठगत अवस्था। तो ये स्नेह में हमको वो संतर्पण अपतर्पण और सामावस्था नियमावस्था कंपल्सरी अभ्यंतर स्नेहपान जब हम देते हैं तब देना है। बाह्य भी स्नेहपान में सामावस्था होंगी तो स्नेहपान देते वक्त वो आम बड़े नहीं ऐसा स्नेह हमको चूज करना पड़ेगा। फिर हमको कल्प बनाने के अनेक अनेक विधि मालूम है, तो उसमें जो एक मुद्दा मैं बता देता हूँ कि नारायण तेल हमको मालूम है, फिर नारायण घृत भी बन सकता है उसी द्रव्य से, वैसे नारायण तेल हम तिल्ली के तेल में बना सकते, वैसे नारायण तेल हम एरंडी के तेल में भी बना सकते, यानी सामावस्था में नारायण तेल ही देना है तो कैस्टर ऑयल में उसको इस्तेमाल करो बनाओ और फिर इस्तेमाल करो तो हम सामावस्था में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया मैंने जो कर हमारे आम उसका इस्तेमाल एरंडी का तेल का जाजा सामवायु उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम एरंडी स्नेह का करते हैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों के हिसाब से, इसलिए स्नेह अलग अलग टाइप के घूत है उसमें भी शायद आपका डिस्कशन हुआ होगा तो उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन वात व्याधि जब आप निकालेंगे तो पहला तिलोक घृत आता है जो विरेचन के लिए काम में आता है, और आम पाचक द्रव्यों से दीपन पाचन द्रव्यों से अभ्यंतर स्नेहपान आप वात व्याधि में दे सकते हैं। स्वेदन के भी प्रकार है, तात स्वेद उष्म स्वेद उपना स्वेद द्रव स्वेद, जब पेशेंट हमारे पास पंचकर्म के लिए आता है तो प्राय हम क्या करते हैं उसको तो नाड़ी स्वेद एक देते हैं, दूसरा सर्वांग स्वेदन उसको दे देते हैं। स्वेदन का काम क्या है तो मार्द होता है लाना वात का शमन करना क्या हमारा उद्देश्य रहता है, वात शुल्क प्रशमन होना मार्द होता शरीर में लाना है, स्वेदन की जो वर्णन दिया है ग्रंथों में वो अपन देख लेंगे। तो उसी हिसाब से ताप स्वेद उष्म स्वेद उपना स्वेद और द्रव स्वेद, तो स्वेदन जब वात व्याधि के अलग अलग प्रकार हम पढ़ते हैं तो कौन सा स्वेदन कहाँ देना है उसका जब जाएंगे तो हमको मिलता है कि संधिगत वात वाले पेशेंट में आया किसने दाह और उपना यानी उपना स्वेद वहां ज्यादा अच्छा काम करेगा, वात रक्त में परिसेक स्वेद का काम बहुत अच्छा रहता है, निराम वायु में संकर प्रस्तरी पुनः पुनः करने को बोला है निराम वायु की जो चिकित्सा उपक्रम दिया हुआ, तो ऐसे ज्वर से लेके वात आपको मिलेगा आपको आप देख सकते हैं स्नेहन स्वेदन। तो स्वेदन के प्रकार में मैंने आपको बता दिए कि स्वेदन में उपना स्वेद संधिगत वात में दिया जाएगा, आपको परिसेक स्वेद वात रक्त में दिया जाएगा, वैसा सबसे और हमारे पास आने वाले पेशेंट में क्या है तो पक्षाघात है, हमारे पास 10 दिन 8 दिन या 15 दिन रहता है या एडमिट होता है तो उसको हर रोज हम नाड़ी स्वेद देते बैठेंगे, हर रोज पिंड स्वेद करते बैठेंगे, हर रोज पत्र पोटली करते बैठेंगे, हर रोज उसको जामु बस्ती करते बैठेंगे या हर रोज उसको सिर्फ हाथ से स्नेहन स्वेदन करेंगे तो उसमें उसकी अवस्था हमको पक्षाघात की अलग 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 टाइप में देखने को मिलेंगी। जहाँ पक्षाघात में सिरा स्नायु विशेष शक्ति का ज्यादा आता है और संधिगत वात की जो आप निदान पढ़ेंगे तो सिरा स्नायु संधिगत प्राप्त है, सिरा स्नायु और संधिगत ऐसे तीनों अवस्था में स्नेह दाह उपना ही चिकित्सा हमको वहां वर्णन की है।
यानी यहाँ हमको उपन्यास हित का कार्यक्रम अच्छा कर हम कर सकते हैं। स्नायु को पक्षाघात के जो हाथ के या पैर के स्नायु को स्टिफनेस आ गया है या शुष्कता आ गई है, शोष आ गया है, वहां फिर पोषण वाले शक्तिशाली पिंड स्वेद का कार्यक्रम उसको अच्छी तरह उसमें हम कर सकते हैं। तीसरा जो जहाँ तो आपको निरामावस्था लगती है, फिर पत्र पोटली का इस्तेमाल करना, ऐसे स्वेदन के प्रकार का एक उदाहरण देते देते आगे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा करके प्रत्येक वाद के प्रकार के ऊपर अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो सामान्य चिकित्सा प्रोग्राम में कैसा उसका समझ आएगा। तो स्वेदा स्नेहा स्वेदा ये दो पूर्व कर्मों में प्रक्रिया वाद व्याधि में हमको आती है, और उसके डिटेलिंग में सिर्फ स्नेह के बारे में करने जाए तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं स्वेदन के बारे में, लेकिन जब आपके पास एपिडेमिकेशन आता है तो ऐसे स्वेदन की वेरिएशन आप उसमें करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा चार गुना ज्यादा बनता है। गेहूं की रोटी एक बाजू भुनना है, एक बाजू कच्ची रखना है, भुनी हुई बाजू को अरंडी का तेल लगाना है, और रोटी वहां घुटने के ऊपर लंबर स्पॉन्डिलोसिस होगा तो लंबर रीजन के ऊपर, सर्वाइकल होगा तो उस रीजन पे उपनास श्वेत हम कर सकते हैं। परिचय श्वेत सलाइन का बॉटल तुम्हारे पास होगा तो उसमें त्रिफला जिष्टम दशमो जो भी आपके पास काढ़ा होगा उसको उसमें डाल देना है गर्म, और बात रखते वाले की अंगूठे के ऊपर उसको बाथरूम में बिठा के परिचय श्वेत का कार्यक्रम हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ऐसे स्वेदन के प्रकार और ऐसे उसके इंस्ट्रूमेंट भी हम अलग अलग टाइप के उस पेशेंट को पेशेंट के लिए करवा सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीजों की तरफ मुझे लगता है ध्यान देना है। अभी मृदु शोधन वात व्याधि में देना है तो शोधन में नस्य ये एक इम्पोर्टेंट नस्य का प्रकार आता है, तो नस्य क्यों पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम पंचकर्म जब करते हैं तो हर पेशेंट को पहले नस्य कर्म करवा देते हैं। कौन सा नस्य? तो दिनचर्या में जो नस्य होता है प्रतिमर्श नस्य, उसका इस्तेमाल मुझे लगता है ज्यादा करके हर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिनचर्या में नस्य का प्रक्रिया बताइए, लेकिन पेशेंट नहीं करता तो कम से कम 5 दिन हमारे यहाँ आता है, तो हम दो दो बूंद घी या तेल नाक में डालेंगे उस पेशेंट के तो उसके रिजल्ट उसको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो प्रतिमर्श नस्य का दूसरा फायदा क्या होता है तो ये अच्छा काम करता है। अभी वात व्याधि के पेशेंट आप देखेंगे ज्यादा करके संधिगत वात पक्षाघात ये कहाँ है तो मध्यम रोगमार्ग आप देखो शिरो हृदय अस्थ्यादि मर्माणि अस्नांच संधिया तन्निबद्ध शिरा स्नायु कंडराश्च मध्यम संधि आ गए, शिरा आ गए, स्नायु आ गए, कंडर आ गए, तो यहाँ नस्य आपको कोई भी बात व्याधि में नस्य हमने करवा दिया तो उसके रिजल्ट हमको 100% उस पेशेंट में मिलते हैं। दूसरा फायदा स्नेह उस पेशेंट का पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और बाकी बस्ती और बाकी पोजीशन करने के लिए उसकी तैयारी मानसिक तैयारी और अच्छी हो जाती है। इसलिए मृदु शोधन यानी गाय का घी नाक में डालना है या खोपरे का तेल नाक में डालना है या आपके पास जो भी सिद्ध तेल होगा वो नाक में डालना है। नया पेशेंट होगा तो घी या तेल का इस्तेमाल ज्यादा करके आप कीजिए, उसके बाद में फिर आणु तेल पंचेंद्रिय वर्धन तेल। विशेष पंचकर्म में हमेशा सामान्य और विशेष पंचकर्म सामान्य विशेष सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। आपको निदान में पहले समझ में आ गया कि वात व्याधि है तो वात के लिए तेल ये सामान्य हो गया, फिर विशेष कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, विषगर्भ तेल इस्तेमाल करना है, पंचगुण इस्तेमाल करना है, ये विशेष उपक्रम उसमें उस पेशेंट में आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको तो एडजस्टमेंट वो सामान्य विशेष सिद्धांत में करना पड़ेगा। अमित सर त्यांना फोन करा, ते नमिता कोठारी त्यांना बंद करायला सांगा, त्यांचा आवाज येतो। हा प्रवीण सर बोला तुम्ही, आता येतोय आवाज? हा येतोय प्रवीण सर, हो येतोय। ठीक आहे, तर स्नेहा स्वेदा हे दोन प्रकार झाले, मृदु शोधन जे करायचे त्याच्यामध्ये नस्य कर्म महत्वाचं, तर नस्यामध्ये प्रतिमर्श नस्य आहे मृदु शोधनामध्ये। आपण वात व्याधी म्हणजे सगळ्या प्रकारांमध्ये अगदी शिरोरोगापासून स्पॉन्डिलॉसिस पासून पक्षाघातापासून संधिगत वातापर्यंत
प्रतिमर्शन तरी मध्यम रोग मार्ग आहे म्हणून आपल्याला करायला काहीच अडचण नाही आणि तो जास्त त्याला आपल्याला मदत करून जातो. त्याच्यानंतर दुसरी जी वातव्याधी मध्ये येणारे जे आहेत त्याच्यामध्ये स्निग्ध विरेचन आपण पहिले घेऊ, कारण निरामवायू मध्ये आणि मग अनुवासन बसतील, निर्वसन नंबर नंतर आहे. आणि उलट प्रॅक्टिस मध्ये उलट सापडतं, मला स्टंप वाला पेशंट येतो मार्गावर. सॉरी सॉरी दादा, हिंदी बरं का मराठीत चालला तू? हो सॉरी. तो ज्यादा करके पेशंट जो आते हैं हमारे पास वो निरामावस्था नहीं सामावस्था में आते या मार्ग और जिंदवास प्रकोप हमारे पास आते, तो उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो ग्रंथों में जो क्रम दिया है वात व्याधि के लिए विरेचन है, फिर अनुवासन है, या उपक्रम में भी अनुवासन का वर्णन आया है, बाद में निर्वह का वर्णन आगे जाके आता है, या निर्वह का वात व्याधि में इतना कल्प भी जितने दिए नहीं वो कल्प स्थान में आपको देखने पड़ेंगे. तो उस हिसाब से सामावस्था निरामावस्था पेशेंट में देख के हमको वो क्रम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो बस्ती वात व्याधि होने की वजह से आधी चिकित्सा है उसमें मार्गारोजन्य प्रकोप होगा, क्योंकि संप्राप्ति ऐसी होती है. ज्यादा करके कटिशूल वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो बोलता है कंबर दुख रही है. कटिशूल, शूल यानी वात, कटी यानी वात का संचारी स्थान है. तो वात के लिए क्या तेल, और संचारी स्थान यानी वात के स्थान के लिए क्या, तो बस्ती. तो इस पेशेंट को हम पेट साफ है, मल प्रवृत्ति साफ है, पकवाश है, खाली है, यानी उद्भव स्थान पूरा क्लियर है, तो हम उसको स्नेहन स्वेदन पूर्वक अनुवासन बस्ती दे सकते हैं. लेकिन संडा साफ नहीं है, मलावस्टंब है, तो ऐसे पेशेंट को हम पेट साफ नहीं है और उसका चय प्रकोप प्रसर कटी में स्थान संचय हुआ है, ऐसे पेशेंट को पहले एक सस्नेह निरोग बस्ती देंगे, पकवाशय खाली करेंगे, पकवाशय में आने के लिए जगह करेंगे, फिर कटी प्रदेश में स्नेहन स्वेदन करेंगे. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पेशेंट में हर चीज देखनी जरूरी है. फिर सस्नेह निरोह के बाद में स्नेह स्वेदन किया तो चार गुना ज्यादा हमको रिजल्ट मिल जाते हैं. ये बात निरामावस्था सामावस्था दोनों देख के बात व्याधि में कब तो अनुवासन देना है और कब निरोह देना है ये दिमाग पक्का रखो. जो योग बस्ती कर्म बस्ती और काल बस्ती ग्रंथों में दिए है उनका कहना है कि ये मास्टर फॉर्मूला कार्ड है, बस्ती देना है तो ऐसे देते है, पहला तेल का फिर व्यत्यासात फिर आखिरी तेल का, वो भी वात प्रकोप होना नहीं चाहिए इसलिए. लेकिन वो पेशेंट सामावस्था का है, पहले दिन आपने सस्नेह निरोग बस्ती दिया उसका फायदा उसको हुआ लेकिन पूरा आम नहीं गया, तो दूसरा अनुवासन देने के बाद में उसको ज्वर आता है, अग्निमान्य होता है, या वात सामावस्था के कारण वात प्रकोप उल्टा होता है या फायदा होता नहीं अग्निमान्य हो जाता है, तो वैसे टाइम दूसरा भी हमको सस्नेह निरोग देना पड़ेगा. वो स्नेह जो इस्तेमाल करना है निरोग में वो भी आम पाचक ही स्नेह हम उसको देंगे तो रिजल्ट हमको ज्यादा मिलेगा. ये तारतम्य वाली बात जो है ये मृदु शोधन में आपको ध्यान देनी पड़ेगी. मृदु विरेचन में अनुलोमन भी चाहिए और मृदु विरेचन भी चाहिए. तो अनुलोमन का काम क्या है, कृत्वापा का मलानम च, मल को पक्व करने वाला सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो हरित की, उसके बाद में एरंडस्नेह. ये दोनों का इस्तेमाल हम मृदु विरेचन में पेशेंट को कर सकते हैं. ज्यादा करके वात व्याधि वाले जो रूटीन प्रैक्टिस में आते हैं उनको मृदु विरेचन देना, यानी फिर मृदु एरेंडा का मृदु कैसा करना है, वो स्निग्ध विरेचन भी है मृदु भी है. जहाँ स्नेहपान प्रॉपर हुआ नहीं वहां स्निग्ध विरेचन देने को बोला है. इसमें सिर्फ एरंडी की मात्रा कोष्ठक के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी. हम यहाँ 20-25 ml एरंडी का तेल सुबह 5 बजे देते हैं, यानी 6:30-7 बजे उसका जो मल का वेग का जो काल अवस्था होती है उसी टाइम हमारा एरंडी का तेल पहले पेट में चला गया होगा, तो उस वेग की मदद से मल प्रवृत्ति का साफ अच्छी साफ होती है और वे एक अनुलोमन भी अच्छा वात का होता है और वात के लक्षण बहुत सारे कम हो जाते हैं. तो उस हिसाब से मृदु शोधन में मृदु विरेचन में आप एरंडी का तेल या हरितकी का इस्तेमाल और अच्छी तरह कर सकते हैं. बहुत बार ज्यादा करके जो जीर्ण वात व्याधि वाले पेशेंट आते हैं या ज्यादा करके कफ और वातानुबंधी जो पेशेंट हमारे पास आते हैं या कफ प्रधान प्रकृति वाला रहता है उसकी कफा की विकृति भी ज्यादा करके पेशेंट में दिखी जाती है. ऐसे पेशेंट को जहां हम स्नेहपान करवाना चालू करते हैं, स्नेहन स्वेदन चालू करते हैं, बस्ती देते हैं, तो बस्ती का काम क्या है, तो कोष्ठम वायुष्य निग्रह. बहुत बार शाखागत दत्त कोष्ठ में लेने का काम लाने का काम बस्ती करता है और ऐसे वक्त कफ का अनुबंध हो ऐसे पेशेंट में उत्क्लेश लक्षण बहुत बार पंचकर्म करते करते दिखता है और वही उसी वक्त
जब वो अवस्था को दिखती है कि उत्कलेश है, जी मचल रहा है, बस्ती के बाद है, तो गलती से ही बस्ती की वजह से या बस्ती गलत हो गया इसलिए वो उत्कलेश आया, अभी बस्ती बंद करना, दिमाग से निकाल डालना, वो ससने निरो बस्ती ने शाखागत दोष कोष्ठ में लाए, कफ प्रधान जो अनुबंधित दोष थे वो आमाशय में आया, उत्कलिष्ट हुए। तो उत्कृष्ट है तब मृदु वमन की अवस्था बात व्याधि में आती, तत्र उत्कृष्ट है, समुत्कृष्ट है, कफे प्राय चले मले, कफ प्रधान चाहिए, चले मले दोष चाहिए, ऐसे टाइम उत्कलेश है, तो आप उसका छोटा सा एक सद्य वमन या लघु वमन उस पेशेंट में मृदु वमन के हिसाब से आप दे सकते हैं, यानी नस्य कर सकते हैं, प्रतिमर्श वमन कर सकते हैं, उत्कलेश आया तो कफ प्रधान दोष दृष्टि होंगी तो विरेचन में आप एरंड स्नेह और हरितकी का स्निग्ध विरेचन का कार्यक्रम आप उसमें मृदु विरेचन में आप कर सकते हैं। बस्ती में सस्ने निरो बस्ती आप अच्छा काम कर सकते हैं। अनुवासन देना है, सामावस्था है तो एरंड स्नेह का इस्तेमाल करो, निरामावस्था है तिल्ली का तेल का, खोबरे का तेल का, या कचा दे शेंगदाने तेल का भी इस्तेमाल आपने किया तो भी चलेगा। यह सब मृदु विरेचन, मृदु पंचकर्म, यह सब हो जाता। फिर वह उपक्रम में जो हम प्रैक्टिस में पेशेंट को जब हम दिनचर्या लिख के देते वात व्याधि वाले पेशेंट को, जहाँ हमारा जो यहाँ का मैं जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता हूँ बताता हूँ, पहले पेशेंट आया तो शोधन, शेष दोषों के लिए शमन, अपुनर्भव के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या या आहार विहार, तो उसको अपुनर्भव के लिए यानी वापिस होना नहीं चाहिए, इसके लिए उसको सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उसने क्या क्या करना है, पॉजिटिव परहेज हम बताते हैं, ये करना नहीं, ये करना नहीं, ये खाना नहीं, ऐसा पेशेंट को बताने जाओ तो पेशेंट भागने के चांसेस ज्यादा रहे, इसलिए सवेरे क्या करना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कब चलना है, कब सोना है, ये सब आप क्या करना है वो पेशेंट को बता के रखे तो वो फॉलो जल्दी अच्छा करता है, इसलिए अपुनर्भव ये पहली चिकित्सा रही थी, इसलिए उसको वो और वापिस दोष प्रकोप होना नहीं चाहिए, वापिस संप्राप्ति को सप्लाई नहीं मिलना चाहिए, इसलिए दिनचर्या ये अपुनर्भव के लिए काम होती है। उसमें अपुनर्भव के लिए सन्निकृष्ट विकृष्ट हेतु हम ढूंढते हैं और वो हेतु दिनचर्या में बंद करते हैं कि हेतु वापिस होना नहीं चाहिए। फिर शोधन के बाद में हम रसायन चिकित्सा इस्तेमाल करते कि कहाँ खवैगुण्य हो गया, रसगत हो गया, रक्तगत हो गया, अस्थिगत हो गया, अस्थि वात का आश्रय स्थान है, फिर वहां आपको विकृति मिल रही है तो फिर वहां रसायन आपको 35 दिन कम से कम, और 35 और 35 70 दिन का एक मंडल रहता है, यानी जो वात व्याधि में या अस्थि धातुगत अस्थि आसार वाला पेशेंट आपके पास आता है तो 70 दिन का रसायन आपको करना है, शोधन होने के बाद, शमन होने के बाद, अपुनर्भव के लिए दिनचर्या बताने के बाद रसायन चिकित्सा आपको कुछ दिनों तक, जैसे लसुन शिरपाक वाला प्रकार आएगा, वात व्याधि के जितने भी आपको रसायन मालूम होंगे तो उनका इस्तेमाल आपको उस पेशेंट में एक मंडल कंप्लीट करना है। फिर कैसा समझते हैं रसायन का फायदा हुआ है कि नहीं, तो रस धातु का समझो, रसक्षय वाला पेशेंट है, रसे रोक्षस समस्त शोषोग्लानी शब्द से होता है, पिंपी रसायन 14 दिन की एक मंडल करने के बाद में रसक्षय के कौन से लक्षण कम हुए, कौन से शिल्लक है, जो 2-4 लक्षण शिल्लक है उसके लिए और 15 दिन का दूसरा मंडल करेंगे, वो भी गायब हो जाएंगे, तो गया वो रस धातु का सारवान, असार धातु को सारवान बनाना है और सारवान धन को बलवान बनाना है, ये रसायन चिकित्सा का कार्यक्रम हमारा होता है। तो इसमें फिर जो वात का उपक्रम है उसमें आहार कैसा देना है, मधुर आम्ल लवणोष्णानी, यानी उसका उन्होंने बता के रखा है कि वात व्याधि पेशेंट आया तो स्वादु आम्ल लवणोष्णानी ये आपको आहार देना है, तो उसके लिए 8 बजे स्वादु आम्ल लवणोष्णानी क्या देना है, 12 बजे क्या देना है, 4 बजे कुछ देना है क्या, शाम को 7 बजे के अंदर क्या खाना है उस द्रव्यों से, तो आहार के पदार्थ आप बताते जाओ पेशेंट को कि आपको खजूर मनु का अमशुल का शरबत सवेरे लेना है, रसायन काल में खजूर आदि मंत्र लेना है, दोपहर को सब्जी रोटी खानी है, शाम को भाकरी चटनी खानी है, क्या खाना है वो पदार्थ आप बता के रखेंगे तो पेशेंट और अच्छी तरह फॉलोअप आपको करता है। भोज्यानी अभ्यंग मर्दनम, यानी वात व्याधि पेशेंट वाला है तो दिनचर्या में अभ्यंग कंपलसरी करना है, पेशेंट रुक्ष है उसमें वात प्रकोप ज्यादा है तो प्रतिलोम अभ्यंग करना है, उसका संतर्पण करना है, संतर्पण होता है तो उसको अनुलोम अभ्यंग करना है और वो सा द्रव्य इस्तेमाल करना है जिससे उसका मांस मेद का वृद्धि होनी चाहिए। उसके बाद में मर्दन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, मर्दन कितना करना है तो पसीना कपाल के ऊपर पसीना आना चाहिए, इतना मर्दन उस वात व्याधि वाले पेशेंट को आपको आना चाहिए। सब दुनिया पंखी के नीचे सोती है, वात व्याधि वाले को कंपलसरी बताना कि तेरे को एक तो चद्दर ओढ़ के पहनना है, सोना है,
यानी वेस्टनम त्रासनम सेको, नहीं तो उसके वो बोलता है बहुत अच्छा लगा, पंखा पिंखा चालू किया रात को और सवेरे वापिस बदन अकड़ गया, दिन भर मुझे पंचकर्म किया बहुत फायदा हुआ, लेकिन दोपहर को सोया था, सोने के बाद उठा तो और जकड़न बढ़ गई। तो ये वेस्टनम त्रासनम सेको, अभी त्रासन क्या करना है, तो वात व्याधि वाले पेशेंट और वात प्रकृति वाले पेशेंट सबसे ज्यादा आपको आपके मुंह पे बोलते हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ आपसे, या मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला, या मुझे अभी तक इतना फायदा नहीं हुआ। क्यों? तो वो वैसा दुष्कर ही है बनने के लिए, और पेशेंट भी अपने पास जल्दी आता नहीं, शुरुआत की अवस्था में आता है तो हम उसको तो उसके लिए असम से को उसका प्रकृति देख के आप उसको उसका कार्यक्रम प्लानिंग करो कि इसको क्या करना है। इधर आगे जाके उन्होंने बोला है कि सुखशीलता, उसको आराम करने को बोला है, और यहाँ फिर त्रासन का भी प्रकार बोला है। तो त्रासन का क्या क्या करना है, तो जो भी सांधा दुख रहा है, जो भी घुटना दुख रहा है, जो भी कंबर दुख रही है, उसको कंफर्म करो। वात व्याधि वाला, वात प्रकृति वाला पेशेंट तो थोड़ा जोर से चिल्ला उसको, ये खाया था क्या, परहेज किया था कि नहीं, वो बराबर गुपचुप बैठता, अगले टाइम जो गलती है वो दुरुस्त करने में काम होता है। सेको मध्यम पौष्टिकम गौड़िकम, यानी आस्वारिष्ट वाले, आवाज आ रही क्या आपको, आवाज आ रही प्रवीण दादा? ये मध्यम पौष्टिक गौड़िकम पिष्टमय पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स वाले, जैसे हम यहाँ बदराय रिष्ट बनाते हैं, हमारे पास बोर ज्यादा आते बेर, तो उसका अरिष्ट बनाते हैं, मध्यम पौष्टिकम गौड़िकम जिसमें पिष्टमय पदार्थ हो, ऐसे मध्य का इस्तेमाल करने को बोला, ऐसे आस्वारिष्ट हम बना सकते हैं। और उसके साथ साथ भी हमारे पास आस्वारिष्ट बात में दशमला रिष्ट है, महाराष्ट्र की काढ़ा है, शरद कोण आहे त्यांचा माइक चालू आहे म्हणून सरांचा आवाज येत नाही व्यवस्थित। मध्यम गौड़िकम ते आस्वारिष्ट क्यों वात व्याधि में, तो व्यवाही विकासी है, दीपन पाचन करवाते हैं, अग्नि भी बढ़ाने के लिए विषम अग्नि जो हमारा रहता है उसको भी काम करने में अस्वरिष्ट ज्यादा असर करते हैं, इसलिए वात व्याधि में अस्वरिष्ट का इस्तेमाल बहुत सारे वैद्य आपको खाना खाने के बाद दशमला रिष्ट, महाराष्ट्री काढ़ा, रसना सप्तक, या जैसे मैंने बताया जो आप खुद के खुद अस्वरिष्ट बना के दे सकते हैं, सिंगल द्रव्य के अस्वरिष्ट आप बना सकते हैं एक ही द्रव्य को, उससे भी रिजल्ट आपको जाता है। स्निग्ध उष्ण बस्ती या बस्ती नियम, स्निग्ध उष्ण बस्ती और बस्ती के नियम से सुखशीलता, ये उसका आगे का वर्णन है। बस्ती कैसे चाहिए, स्निग्ध और उष्ण चाहिए, यानी वहां की बात अनुवासन बस्ती जो है ना आपको, तो अनुवासन बस्ती आपको बस्ती नहीं है, यानी उसको हाँ पहले थोड़ा मीठा या कुछ तो भी खिला के स्नेहन पेट को एक घंटे बाद पेट को स्नेहन स्वेदन पूर्वक करके फिर उसको बस्ती नियम से तो अनुवासन दी, या तो अनुवासन ज्यादा टाइम पेट करो और उसके बाद में थोड़ा आराम करने को बोला, या दिन उसको बाकी चिकित्सा या एडमिट है तो कुछ सुखशील है, यानी पूरा आराम करने। दीपन ही पाचन ही सिद्ध, माइक बंद करेंगे तो मुझे लगता है मुझे अच्छा बता सकते हैं, माइक बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीपन ही पाचन ही सिद्ध, दीपन पाचन सिद्ध स्नेहाश्चान्य योजना, यानी दीपन पाचन द्रव्य से सिद्ध अलग अलग स्नेह, दीपन पाचन सिद्ध तेल, दीपन पाचन सिद्ध घृत, दीपन पाचन सिद्ध वसा, दीपन पाचन सिद्ध मज्जा। अभी वसा और मज्जा कैसे बनाना है, क्योंकि भागवत पूरा पढ़ेंगे तो वसा का एक ही नस्य का कल्प वात व्याधि में आया है, वात व्याधि चिकित्सा स्थान में। तो सिद्ध तेल जो हमारे पास बना है, जैसा नारायण तेल का मैंने उदाहरण दिया, नारायण तेल और वसा, नारायण तेल बना है हमारे पास और वसा का हमने माउस के खंड लाए, उसको अच्छी तरह पकाया तो ऊपर ऊपर वसा निकल जाती है, वो वसा को हमको जमा करनी है और तेल के दो गुना या चार गुना वो वसा डालना है और नारायण तेल को वापस पकाना है। तो ये यमक स्नेह हो गया, नारायण वसा बोलते हैं उसको। वो नारायण वसा होने के बाद में हमने मज्जा लाई, यानी नलक अस्थि लाए, उसको फोड़े, उसकी कल्क निकाला मज्जा का, तो मज्जा कल्क में ये नारायण वसा, यानी नारायण तेल और वसा वाला मटेरियल हमने डाल दिया, तो ये तीनों का मिश्रण करके त्रिवृत स्नेह हो जाता है, और घी डाल दिया तो महास्नेह भी उसका हो सकता है। तो ऐसी चीजें हम
स्नेहाश्चे अनेक योनि है, लेकिन ये स्नेह कैसा देना है तो उसके द्रव्य दीपन पाचन जो आपके पास होंगे उसका इस्तेमाल करना है। इसमें भी सामान्य चिकित्सा विशेष चिकित्सा मैंने पहले ही बताया था। विशेष क्या करना है, वात व्याधि में समझो इतना आपको नहीं जम रहा है प्रैक्टिस में, पीसित रस तेल अनुवासन, यानी विशेष क्या करना है तो माउसरस कंपल्सरी उस पेशेंट को देना है। अभी जो पेशेंट माउसरस नहीं खाता उसको क्या करना है तो उसको घी खिलाना है या उस हिसाब से संतर्पण करने वाला जो भी तेल और अनुवासन, माउसरस कम से कम तेल देना है और अनुवासन बस्ती देना है। इतना उपक्रम आप पेशेंट को करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी वात व्याधि के बाकी व्याधियों की तरफ अपन जाएंगे। ये हो गया सामान्य चिकित्सा उपक्रम, यानी अभी आगे जाके आपके पास संधिगत वाला पेशेंट आया या आप जो वात व्याधि पढ़ेंगे तो वहां एक ही लाइन में संधिगत वाद दिया है। क्या दिया है, शिरा स्नायु संधिगते पाते प्राप्त स्नेह दावोपना, यानी क्या हुआ ये संधिगत वाद की विशेष चिकित्सा हुई स्नेह दाव रोपना। सामान्य चिकित्सा सूत्र स्थान में बागुर बोलता है मैंने दे के रखी आपको वात से उपक्रम में बताया आपको, आपको वहां से इस पेशेंट में जो जो चीज चाहिए वो उठाओ और उसके साथ स्नेह दाव अपना करो तो संधिगत वाद ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये उसमें उसका बताने का मतलब ज्यादा ध्यान में रखना है। अर्दिते नावन मृदनी तैलम, अर्दित में क्या करना है, नावन करना है और मृदनी तैलम करना है, सिर के ऊपर तेल डालना है, बस हो गया अर्दित नहीं। तो ये वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेदा संशोधन मृदु में से जो चीज आपको इस्तेमाल उस पेशेंट में करनी है वो करो और उसके साथ नस्य करो और मृदनी तैल करो तो वो अर्दित पूरा तुम्हारा हो सकता है। गंडूश करो, शिरोबस्ती करो, वाद या नहीं है लेकिन आपको आपके दिमाग से इस्तेमाल करना है। स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम, यानी पक्षाघात इतना बड़ा है, इतने सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी आपने अनिल का पक्षाघात का लेक्चर पूरा पढ़ा, आज ही मैंने आधा पढ़ा, आधा सुना आधा और बाकी रात को सुनूंगा। तो इतना बड़ा पक्षाघात में सिर्फ ये एक लाइन में छोड़ दिया है कि नहीं, इसमें ये जो उपक्रम है पक्षाघात आप पढ़ेंगे तो वात व्याधि में ही नस्य से लेके अवभाव से लेके जो भी चिकित्सा दी है वो सब पक्षाघात में इस्तेमाल हो सकती है और ये सामान्य उपक्रम भी पक्षाघात में इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्षाघात का एक प्रोटोकॉल में थोड़के में बताओ, सिर से लेके पांव तक पक्षाघात वाला पेशेंट आया तो आपको उसकी चिकित्सा करनी है। शिरो अभ्यंग किसको करना है, शिरो पिचू किसको करना है, शिरो बस्ती किसको करना है, शिरो धारा कितनों किसको करना है, ये अवस्था है। वो आगवट पढ़ेंगे तो दो दो लाइन में वो अवस्था देके रखिए। पक्षाघात वाले को पहले शिरो अभ्यंग किया, फिर शिरो पिचू किया, फिर शिरो धारा किया, उसको हिमरेज नहीं है तो ये सब चीजें काम में आ जाती, ज्यादा एट्रोपी हो गई है या एज रिलेटेड जाता है तो शिरो बस्ती सबसे ज्यादा काम करेगा। यानी उसकी अवस्था आपको आनी चाहिए। ऊपर से नीचे आता है तो अर्दित है तो नेत्र तर्पण कर सकते हैं, उसके नीचे आते तो नस्य करना है। नस्य के लिए कौन सा द्रव्य इस्तेमाल करना, एक 10 द्रव्यों की लाइन आप बना के रखो आपके पास पहले, यानी जब पेशेंट आएगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बंडूश कर सकते, कवल कर सकते, उसके बाद में वोमन की अवस्था आती है पक्षाघात में, जैसा मैंने बताया कफानुबंधी होगा, दो ही पक्षाघात होते हैं, कफ वातानुबंधी और वात कफानुबंधी और निराम वायु वाला। तो कफानुबंधी होगा तो बहुत बार उत्क्लेश लक्षण आता है, छोटा सा एक उल्टी हो जाए, इतना वमन दिया तो भी अग्नि बढ़ जाता है और आगे कार्यक्रम कर सकते। विरेचन में एरंडा का स्नेह सबसे श्रेष्ठ बताया, स्निग्ध विरेचन तिलवा गुरु स्निग्ध विरेचन है, एरंडा स्नेह स्निग्ध विरेचन है। बस्ती जिस पेशेंट को हम विरेचन दे नहीं सकते, बार बार वो संडास को उठ नहीं सकता और विरेचन देने के बाद वहां बेड सर होने के चांसेस है, वहां बस्ती का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा काम होता है क्योंकि हमको मालूम है आप भी बस्ती दिए आप भी संडास जाएगा, बस्ती के बाद में वात का अनुलंघन होगा तो बाकी चिकित्सा हम कर सकते हैं सस्ने निर्वसी के अनुवासन। इसके ऐसे ऊपर से नीचे नीचे तक अग्निकर्म रक्तमोक्षण स्नेहसेदन के सब प्रकार, परिषेक स्वेद उपना स्वेद पिंड स्वेद नाड़ी स्वेद सर्वांग स्वेदन स्नेहन के अलग अलग प्रकार, इतनी ये प्रोटोकॉल इतना हमारे पास होगा कि कम से कम 1.5 महीने तक का कार्यक्रम हमारे पास होगा तो 20 या 21 दिन का पंचकर्म उस पेशेंट को हुआ तो 200% पक्षाघात वाले पेशेंट हमारे से ही अच्छे हो सकते हैं, एलोपैथी वाला उसको कुछ नहीं कर सकते। स्तंभ है संधि मुक्त है वहां को कुछ नहीं कर सकते, हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं अग्निकर्म कर सकते हैं, उससे संधि मुक्त वाले पेशेंट हमारे अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसा ये उपक्रम आपको वात का पित्त का कफ का जो मुझे लगता था वो मैंने बताया, ज्यादा करके सामान्य अवस्था में अनुवासन का वर्णन ज्यादा दिया है और सुश्रुत आप पढ़ेंगे तो अनुवासन धातुगत उसका सब एक्शन सुश्रुत के जो अनुवासन के जो क्रम बताए तो वहां वो हमको ज्यादा मिलता है। वात के उद्भव स्थान क्या है तो पक्वाशय,
कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शेंद्रिय संचारी स्थान है और अस्थि उसका आश्रय स्थान है, यानी पेशवात व्याधि चिकित्सा करनी है तो इतने स्थान तो आपको कंपलसरी हर पेशेंट में चेक करने ही है। इन स्थानों का दर्शन स्पर्शन प्रश्न आपको देखना ही है और उस हिसाब से आपको काम करना है। फिर एखादा पेशेंट आपके पास आता है शूल ये लक्षण लेके, तो शूल यानी वात इतना तो आपको सामान्य हो गया, समझ में आ गया कहाँ है उसका संचार स्थान, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शेंद्रिय यहाँ है तो खुद के स्थान में वात प्रकोप हुई, यहाँ छोड़ के बाकी जगह पे पित्त के स्थान में कफ के स्थान में तो दूसरे के स्थान वाला वात प्रकोप है तो उसको आगंतुक समय दोषम स्थानी ना प्रतिवृत्ति, पहले वात को खुद के स्थान में लाओ फिर बाकी लोगों को उसके हिसाब से उसकी उसका प्रोटोकॉल बनाओ। तो जैसा वात का उपक्रम है वैसा पित्त का भी और कफ का भी है, तो वात का उपक्रम करते करते पित्त अनुबंधित है तो पित्त अनु उपक्रम में से कौन सी चीज आप इस पेशेंट में ऐड कर सकते हैं तो वह ऐड दिनचर्या में आपको करनी है। कफ अनुबंधित तो कफ की कौन सी उपक्रम की अवस्था है कि जो इसमें ऐड कर सकते हैं तो आपको दिनचर्या बनाते वक्त उस पेशेंट में करनी है। अभी वात के जो पांच प्रकार है उसके तरफ मैं ज्यादा करके जाऊंगा कि आपको अलग अलग व्याधि के बारे में मैं बताना चाहूंगा और प्रोटोकॉल उसको चिकित्सा सिद्धांत बताना चाहूंगा, कल्प क्या इस्तेमाल करना है आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो वात को इम्पोर्टेंट जो भागवत ने जितना ज्यादा दिया है चरक में और उसमें उसके चरक में प्रकार आए वात के उसके गुण आए, लेकिन ज्यादा भागवत में जो वर्णन दिया है उसका एक एक मुद्दा अपन ज्यादा ध्यान देंगे। प्राणवायु का अपन पहले सोचेंगे, प्राण अत्र मूर्धा कहाँ रहता है तो सिर में रहता है, उरक कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त विश्वास अन्न प्रवेश, यानी उसका उद्भव स्थान हमको मालूम हो गया वात प्राणवायु का शिर स्थान है, उसके संचारी स्थान में मालूम है उरक घूमते रहता है और काम क्या करता है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव ये उसका चित्त का धारण करता है और शवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश। अभी पेशेंट हमारे पास कैसा आता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है कि छोड़ने में तकलीफ होती है, इतना आपने पूछा तो आपको बात कौन सा है वो समझ, छोड़ने में तकलीफ हो रही है उदान वायु, लेने में निश्वास अन्न प्रवेश अन्न प्रवेश करने में तकलीफ है, श्वास अंदर लेने में तक समझ में आ जाएगा, यानी आपको प्राण वायु की विकृति इतना समझ में आ गया कि आपके पास ये पूरी लाइन पड़ी हुई है। फिर इस पेशेंट को जैसे एलोपैथी वाला लीट आता है और छाती चेक करता है बीपी चेक करता है वैसे हमको क्या करना है तो उसका पूरा स्थान चेक करना है, उसके कंठ में कुछ तकलीफ है दर्शन प्रश्न प्रश्न परीक्षा से आपको पूछनी है। एखादा पेशेंट उल्टा आएगा आपका बुद्धि की बिगड़ा हुआ बुद्धि से रिलेटेड कुछ काम बिगड़ा हुआ है और वो आपके पास आएगा तो जब बुद्धि का काम क्या है चिंता विचार है ज्यादा करके मानस रोग में मैं अभी बता रहा हूँ, ये निदान की प्रक्रिया में बताता हूँ, चिकित्सा तो आपको निदान समझ में आ गया तो चिकित्सा आप जो भी आपके पास होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुद्धि चिंता विचार हुई है ये बिगड़ा हुआ पेशेंट आपके पास आता है तो फिर आपको दिमाग में तुरंत प्राण वायु आना चाहिए, प्राण रहता है मूर्धा मूर्धा उसके साथ इन तीनों का आपको पेशेंट में चेक करना है, ये चेक करने की प्रक्रिया आप डालेंगे तो जम जाएगा। हृदय रोग वाले तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास बीपी हाइपरटेंशन कोरोनरी ब्लॉकेज वाले और बाकी सब चीजें हमारे पास आती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले आते हैं तो ये सब आपको पढ़ना ही है, यहाँ पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन है वो फाइल पढ़ना है, देखिए दिमाग में क्या रखना है हृदय बिगड़ा है ना हृदय में कौन कौन रहते हैं आप इस्तेमाल करो तो हृदय में ये प्राण संचारी स्थान है व्यान वायु रहता है साधक पित्त रहता है अवलंबक हृदय के बाद में उत्पत्ति होती है रस धातु की वहाँ उत्पत्ति और वहां से रस व स्रोत का कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो इतनी चीजें उदान वायु है वहां तो रुद्रोग वाला पेशेंट है तो हमको इतनी चीजें चेक करनी है और इनकी चिकित्सा करनी है, दिमाग से हार्ट के दो ब्लॉक है चार ब्लॉक है वो बाद में सोचना है लेकिन उसको चिकित्सा करने के लिए इतना आपको दिमाग में आ गया तो हर वायु की चिकित्सा हमारे पास दी हुई है और वो अपने को हमने क्या 100% उपयोग किया। इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बिगड़ा हुआ पेशेंट है कंपवात वाला पेशेंट है थरथर थरथर होती है हाथ के पैर की एज रिलेटेड ज्यादा है फिर वो एक्सरे एमआरआई वगैरह कुछ निकाल के उनका रिपोर्ट लेके आते वो पढ़ना है लेकिन कंपोवात यानी कौन से दोनों आए बात आ गया यानी कौन सा एक व्यान दिमाग में आना चाहिए दूसरा प्राण क्योंकि प्राण का काम क्या है इंद्रियों का ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का कोई भी बिगाड़ हुआ तो हम प्राण वायु के बारे में सोचेंगे।
चित्त यानी मन, वो भी बिगड़ा होगा तो हम प्राण को प्राण के बारे में सोचेंगे। फिर प्राण की चिकित्सा क्या है, मूर्मु है, उसका उद्भव रास्ता क्या है, तो नस्य है। फिर नस्य के साथ उसको मदद करने के लिए शिरोवस्ति है, उसके साथ कर्णपूरण है, उसके साथ जरूरत नहीं तो भी आप कंडूष और कवल करके देखो, मनोवा स्रोतस वाले पेशेंट में, रुद्ररोग वाले पेशेंट में करके देखो क्या फायदा होता है उसका, नस्य करके देखो तो क्या फायदा होता है आपको उसके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल उस प्रोसीजर को करने बैठेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि अरे प्राण व स्रोतस का उद्भव स्थान आमाश है, तो आपको वो स्रोतस के हिसाब से आगे जाके उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे हर वायु का विशेष उपक्रम आपको उस पेशेंट में देखने को आपको मिलेगा, और उस हिसाब से फिर मध्यम रोग मार वाले जितने भी पेशेंट आपके पास आएंगे तो आपको दिमाग में तुरंत प्राणवायु आना ही चाहिए, शिरो, हृदय, बस्ती आदि, बस्ती आदि आदि में कौन कौन आते हैं वो आपको भाव, उसके आजूबाजू के ऑर्गन सब दिमाग में आएंगे। मर्माणी आसनांच संध्या तन्नी बंध शिरा स्नायु, यानी प्राण का रक्त धातु से, रक्त धातु का शिरा स्नायु से संबंध आगे जाके संधिगत बात में जब आप रक्तमोक्षण करते हो पेशेंट को अच्छा लगता है, क्यों, तो शिरा स्नायु संधिगत है प्राप्त, वह रक्त थोड़ा भी निकाल दिया तो भी दर्द में, सूजन में, जकड़न में फर्क पड़ती है। ये ऐसे प्राणवायु का एक पढ़ने का, पेशेंट में देखने का तरीका आप बदल के देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छा निदान होगा और बहुत ईजी निदान होता है। गोखटे जी ने फक्त सिर्फ तीन ही शब्दों में पंचकर्म का निदान दिया है, दोष अवस्था, बस इतनी ही पेशेंट में आपको देखनी, आप इतना देखेंगे तो आपका निदान फटके में होगा। आपके पेशेंट को बाकी पंचकर्म करते करते आप हिस्ट्री पूछेंगे तो सही हिस्ट्री देगा, वात व्याधि वाला पेशेंट को आधा घंटा भी लेके बैठेंगे तो दूसरे दिन वो आपकी गलती निकालेंगे कि नहीं मैंने ये बोला ही नहीं था, आपने कैसे क्या लिख लिया, उसके लिए उसको उल्टा सुल्टा कर्म करते करते उसका माइंड डाइवर्ट करते मदद देगा। दूसरा जो वायु आता है वो होता है उदान वायु, उदान का भी वैसा ही है, उदान वायु वाले पेशेंट अपने पास कैसे आते हैं उल्टा विचार करेंगे, तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गदाश्चरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अभी आप रसायन अध्याय पढ़ेंगे तो रसायन अध्याय में हर रसायन के बारे में दिया कि ये रसायन क्या एक महीना खाया तो क्या क्या फायदा होता है, तो आयुष्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, उसके साथ में एक शब्द आता है स्मृति बढ़ती है, ध्रुति बढ़ती है, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, ये बार बार ये वर्णन आपको देखने को मिला रसायन अध्याय में। तो ये पेशेंट अपने पास वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते क्या क्या आएंगे वो, तो उरस्थान वाद का उद्भव स्थान है, नासा नाभि गला ये उसका घूमने का स्थान है, और प्रयत्न यानी उत्साह ऊर्जा क्या करता है तो वाक प्रवृत्ति, बोलने में कोई भी दिक्कत वाला पेशेंट आता, हकलाने वाला, मुख मिन मिन गदगद तो पेशेंट, हम क्या करते हैं उसके जबान के ऊपर कुछ अक्कल करा लगाते बैठते है, नस्य करना जरूरी है हमारे हिसाब से, शिरोवस्ति करना जरूरी है, और उदान वायु दिमाग में रख के हमको उसको काम करना है। जो संचारी स्थान है उसमें दिमाग में रखो नासा नाभि गलांशर है, नाभि है उदान वायु का संचारी स्थान है और पाचक पित्त का उद्भव स्थान है, यानी पाचक पित्त की बिगाड़ हुआ है या नाभि उदान वायु की वजह से नाभि के उदान वायु का दृष्टि है, तो वहां हमने पिचू रखा नाभि के ऊपर। एक जैन साधु थे, उनको बोलने में प्रवचन में अड़चन थी और वो बोल रहे थे कि मुंह के जरिए हम कुछ नहीं लूंगा, आपको ऊपर से कुछ देना है लगाना है तो आप दे सकते हैं। तो उनको पित्त के बारे में पहले उद्भव स्थान का पूछ लिया, कैसा है अग्नि, तो बोले मैं काश नहीं हूँ, सवेरे एक ही बार खाना खाता हूँ, बाद में कुछ भी नहीं खाता, मेरे मतलब प्रवृत्ति साफ है, अग्नि का कोई लक्षण नहीं। फिर दूसरा रहा क्या, तो जोर जोर से प्रवचन दे के उदान वायु का प्रकोप करके बैठे थे, लेकिन मुंह के जरिए कुछ नहीं लूंगा, फिर नाभि के ऊपर गावरण घी का पीछू रखा दो दो तीन तीन घंटे तक, एक दोपहर को 4 बजे से रखा था, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे जो प्रवचन था वो अच्छी तरह उनका हुआ, क्या हुआ, उदान वायु का शमन किया। फिर उनको सवेरे जो उनका कार्यक्रम था उस टाइम न जो आहार का टाइम था उस टाइम वो नाक में घी डालना वो पसंद था या उन्होंने परवानगी दी थी, फिर सवेरे नस्य किया, फिर पीछू रखा ना नासा नाभि गलांशर, ये उदान वायु का। तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो पेशेंट आते बल कम हो गया है, वर्ण बिगड़ा हुआ है, स्मृति ध्यान दिमाग में नहीं रहता, स्मरण शक्ति में कुछ तो भी गड़बड़ है, बच्चों की
चंचलता ज्यादा है, स्मरण शक्ति में गड़बड़ है, ऐसे टाइम हमको उदान वायु दिमाग में रख के ही उसकी चिकित्सा, उसके साथ बाकी लक्षण भी आपको कुछ नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड उदान वायु के बाकी जो उसके संचारी स्थान है, उद्भव स्थान है, वहां कोई बिगाड़ तो नहीं है, वो आपको कंपलसरी देखना है। और वो देखने में आपको ध्यान दिया तो आपको रिजल्ट में उसका 100% फर्क उदान वायु का होगा। श्वास छोड़ने में दिक्कत है, तो मक श्वास वाले पेशेंट आए तो वो ऐसे बोलता है श्वास तो लंबी बड़ी लंबी सांस लेता है और छाती अंदर श्वास जाता ही नहीं, ऊपर से ऊपर छोड़ना पड़ता है, अति सृष्टम अति बद्धम कुपितम, यानी उदान वायु की गड़बड़ वहां है, तो उसको नष्ट करेंगे, स्थानिक स्नेह संवेदन करेंगे, तो आप उसका श्वास अंदर जाने के लिए उसका कार्यक्रम अच्छा होगा और श्वास बाहर छोड़ने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। बोलने के लिए भी नष्ट करेंगे, स्थानिक स्नेह संवेदन करेंगे, उदान वायु के लिए उसको बोलने के लिए शब्द के ऊपर जोर देके एक पाणिनीय व्याकरण का पुस्तक दे दिया और जोर से बोलने को बोला, तो भी कंठव्य अष्टव्य दंतव्य या अपनी स्पीच थेरेपी पाणिनीय व्याकरण है वो उसको वाक् प्रवृत्ति सुधारने में मदद मिल सकती है। प्रयत्न ऊर्जा कम पड़ रही है, लेक्चर्स लेने वाले जो प्राध्यापक मंडली रहती है बोलते मैंने 4 घंटे लेक्चर लिया अभी मैं बहुत थक गया। अरे तुमने कुछ नहीं किया, कुर्सी पे बैठ के लेक्चर लिया, लेकिन ऊर्जा वहां खलास होती है, तो वहां उदाहरण वही का उसका कुछ बिगाड़ है क्या ऊर्जा के लिए, या उल्टा है ऊर्जा थकावट है बहुत, तो उसके लिए बोलने के तरीके में कोई तकलीफ होती है क्या, बोलने का तरीका कोई गलत है क्या, वो करना है। बल वर्ण स्मृति क्रिया, बल कैसा है, बल उदान वायु का है, से अवलंबक कप आ रहता है, कप के समान मांस धातु का वर्णन आता है, यानी उदान वायु प्रकोपित हुआ तो किसका बिगाड़ करेगा, तो अवलंबक कप, अवलंबक कप बिगड़ा तो पोषक है बाकी कफों का और वो मांस धातु का भी पोषक है, यानी अवलंबक कप बिगड़ा तो मांस धातु भी बिगड़ेगा, इसलिए वर्ण में भी वैसा ही होता है कि वर्ण में उदान वायु का जो प्रकोप जो होता है उसकी वजह से की जो प्रक्रिया है वहां भी आपको अर्थ आएगा, इसलिए वर्ण और स्मृति क्या स्मरण शक्ति में भी आपको दिक्कत आती है। बहुत सारे मुद्दे उसमें हम बता सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ इस्तेमाल हर वायु का हम कैसा कर सकते हैं वो मुझे बताना है। व्यानोरुद्धि स्थिता कृष्णम देहचारी महाजावा गत्यपक्षेण अपेक्षेण उन्मेषण निन्मेषण आदि प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरणम्। प्राय सब क्रिया जो है वो शरीर की व्यान वायु करता है, और व्यान में एक शब्द आया महाजवा, कृष्णम देहचारी महाजवा, महाजवा का यानी इसका उसका टीका में क्या है, शीघ्र गति प्राणाद्यापेक्षा प्राण से भी गतिवान है व्यान वायु, और उसके लिए वो व्यान वायु की जो चिकित्सा है उसके लिए एक ही उदाहरण मैं व्यान का देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हर वायु का आपको काम कैसा करना है। हम जो इधर वहा उसका काम करते हुए कैंसर वाले पेशेंट आपके पास आते हैं, तो कैंसर वाले पेशेंट को पहले जमाने में क्या करते थे, पहले शस्त्र फिर क्षार कर्म फिर अग्निकर्म, यानी जो मांस वृद्धि का जो अपना श्लोक आता है शस्त्र क्षार अग्निकर्म, यानी पहले काटना है फिर केमोथेरेपी करनी है और फिर रेडियोथेरेपी करनी है। तो जब व्यान वायु का शब्द वर्णन आता है तो वात का जो उत्साह उश्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवृत्ति सम्यक गति है जो धातु ना, धातु की सम्यक गति कौन करता है, तो प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन् वायन व्यान वायु करता है। जब कैंसर वाला पेशेंट आता है तो कैंसर क्या है, तो ये वात व्याधि ही दिमाग में पक्का रखता है, व्यान वायु ने रस धातु को दुष्ट किया तो लिम्फेटिक सिस्टम वाले सब कैंसर आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। फिर व्यान वायु को किसने बिगाड़ा इतने आपको ढूंढना है, अपान ने बिगाड़ा, सम्मान ने बिगाड़ा था, क्या प्राण ने बिगाड़ा, या उसके नजदीक साधक भी इतना स्ट्रेस लेके व्यान वायु की दुष्टि उसने की। व्यान ने रक्त धातु को दुष्ट किया तो ल्यूकेमिया वाले सब रक्त धातुगत जितने कैंसर के प्रकार आपको आते वो सब आपको मिलेंगे। व्यान वायु ने मांस धातु को दुष्ट किया तो मांस वृद्धि और ग्रंथि वाले पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं, वहां शस्त्र क्षार अग्निकर्म, और इसलिए मांस वृद्धि वाले जो गर्भाशय के मुंह के कैंसर और स्तन के कैंसर में मांस धातु का ये ज्यादा रहता है, संप्राप्ति ज्यादा रहती, इसलिए ये शस्त्र क्षार अग्निकर्म से एलोपैथी वालों से अच्छे होते। इसके अलावा बाकी सब लिम्फ नोड निकालते निकालते थक जाते, लेकिन वो लिम्फेटिक सिस्टम वाले कैंसर अच्छे होते हैं। हम रस धातु की चिकित्सा करेंगे, रसगंधि की चिकित्सा करेंगे और व्यान की चिकित्सा करेंगे। व्यान की चिकित्सा अवृत्तवात में आई है, उसमें क्या है तो ऊर्ध्व अधः यानी तिर्यक, यानी हो गया पूरा पंचकर्म कैंसर में उसका बल जब होता है तभी करवा लो। पेशेंट हमारे पास कब आता है तो पार केमोथेरेपी से पूरा बिगड़ा हुआ आता है,
या पूरा लिवर मेटास्टिसिस होने के बाद हमारे पास धातुगामित्व धातुगत जाने वाले दो ही व्याधि हमारे पास आते हैं, एक वात रक्त वाला आता है, दूसरा कुष्ठ वाला आता है। ये कैंसर भी उसी वात की अवस्था में हमारे पास, जब वो अस्थिगत मज्जागत ऐसा व्यान वायु दुष्ट करके वहां की धातु सम्यक बिगड़ करेगा या उसकी विकृति निर्माण करेगा, तो ये पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उर्ध्व यानी क्या, तो ऐसे पेशेंट को नस्य कंपलसरी ऊपर से करना है उर्ध्व वात हर के लिए। दूसरा उसको क्या करना है, हमको उसका वमन देना है, लेकिन वो अवस्था रस धातु दुष्ट करने वाला होगा, रस धातु का उद्घोषण नामाश होगा, तो हमको ऐसी प्रक्रिया उसका बल अच्छा हो तो ऐसी करनी पड़ेगी जिससे छोटा सा वोमन होके उसका अग्नि बढ़ाएंगे। वोमन ही अग्नि की चिकित्सा है, दिमाग में पक्का रख, अग्नि बढ़ गया तो फिर रस धातु के बाकी रसायन चिकित्सा हमारी बहुत अच्छी काम में आती है। अधो यानी विरेचन और बस्ती उस पेशेंट में हम कंपल्सरी करते हैं। तिर्यक यानी रक्तमुक्षण, पांचों कर्म कैंसर में कंपल्सरी आवृत्तवात में दिए हुए व्यान वायु की चिकित्सा जो है, व्यानावृत्त जो भी होगा, तो व्यान ने रस को अवृत्त किया है या दुष्ट किया है, रक्त को दुष्ट किया है, मांसों को दुष्ट किया है, मेदों को दुष्ट किया है, अस्थि को दुष्ट, ऑस्टियोसारकोमा मज्जा को दुष्ट किया और शुक्र को दुष्ट करने वाले प्रोस्टेट वाले अभी बहुत सारे कैंसर के। तो ऐसे संप्राप्ति लगाने के लिए हमको ये दोष जो है काम में आते, इसलिए उसका महाजवा ये शब्द प्राण से भी ज्यादा गतिमान है, इसकी गति कंट्रोल करनी तो इसका उद्भोस्थान ये रहता कहा है, हृदय स्थित, हृदय के साथ में इसको बिगाड़ने वाला साधक पित्त है, वो षड रिपु वहां रहते साधक पित्त के लिए, तो उसमें वो उसकी साइकोलॉजिकल या दिनचर्या में उसका पर्सनल हिस्ट्री बाकी हिस्ट्री लेंगे तो वहां साधक पित्त की दृष्टि आपको 200% मिलती है, उसको दुरुस्त उसके साथ करना है। फिर रोपे सुवर्ण सुच्छकर आपको कंट्रोल में रखना है तो बस्ती सिवा पर या नहीं, छोटे छोटे बस्ती उसको भी सिखा दिया और बस्ती करवाने जाओ तो कैंसर वाले पेशेंट 200% हमारे अच्छे हो सकते हैं। व्यान के और बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ के मैं जितना मैं बता सकता हूँ उतना ध्यान देना है। समान वायु समान अग्नि समिष्ठा कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृहणाती पचेति विवेचेति मंचति। समान वायु यानी पित्त धराकला, पित्त धराकला सहाय मज्जा धराकला, जितनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या जितने न्यूरोपैथी वाले पेशेंट है या जितने शिरोरोग वाले पेशेंट है या जितनी बड़ी ब्रांच न्यूरोलॉजी, जैसे हम रसग्रंथि का बोलते हैं, जितने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उनको जितना नहीं समझता उतना हम सिर्फ रस धातु को समझे, कहा है रस व्रोत हृदय मूलम दश धमन्या, हृदय से दश धमन्या जो निकलती है पिट्यूटरी से लेके थायराइड से लेके पैनक्रियास से लेके स्प्लीन से लेके दश धमन्या है, तो एक बिगड़ा तो सब उसकी लाइन बिगड़ती है, तो रस धातु को दुरुस्त करो, पूरी एंडोक्राइनोलॉजी हमारी रस व्रोत में हमको मिलती है। जरा डिटेल में उसको जाना पड़ेगा, रस वृद्धि के लक्षण रस क्षय के लक्षण आपने पढ़े तो हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट आपको तुरंत सामने दिखने लगेंगे, तो उसको रस धातु की चिकित्सा करनी है। और फिर थायराइड में वापस आया रस का रहता है हृदय के ठिकान में, उसके साथ साधक पित्त बिगड़ा हुआ है क्या, व्यान वायु बिगड़ा हुआ है क्या, प्राणवायु बिगड़ा हुआ है क्या, उसके लक्षण रस वृद्धि हुई है रस वापिस लेष्म होते हैं तो मेद वृद्धि हुई का वजन पड़ रहा है, ये सब लक्षण आपको जब देखेंगे होते। वैसे मज्जा धातु का है पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला वाला या न्यूरोपैथी वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम चेक कैसा करना है, हमको उसको पित्त धरा कला चेक करना है, अन्नम गृहणाती कितने बजे लेता है, पचेती कितने घंटे में होता है, विवेचन प्रॉपर होता है कि नहीं और मुंचन होता है कि नहीं, ये आपने ध्यान दिया तो आप पित्त धरा कला में कोई परपटी कल्प डाल दिया, पित्त धरा कला में कोई मज्जावर्धक आपने दे दी तो पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला बराबर पोषण करता है। कला का भी बहुत अच्छा क्रम है, पक्वाशय में कौन सी है तो पुरुष धरा कला है, वो अस्थि धरा कला में अस्थि का पोषण करवाती है, यानी अस्थि अस्थ्याम व्याधि नाम पंचकर्माणी भेषज बस्त्या क्षीर सर्पी उन्होंने बताया, तो धरा मज्जा को करती है, यानी अस्थि मज्जा और आमाशय जो है वो शुक्र धरा कला के लिए दिमाग में पक्का रखना, कर सद्य शुक्र करपया, दूध क्या करता है सद्य शुक्र करता है, यानी आमाशय में वो क्लेदक कप की पहला अवस्था पाक बिगड़ा तो रस रक्त और शुक्र सार्वदेहिक है, रस दुष्टि हुई तो शुक्र दुष्टि वाले पेशेंट आपको 100% मिलेंगे, इसलिए समान वायु को पित्त धरा कला चेक करने के लिए अन्नम घृणाती कितने बजे बराबर होता है कि पचती बराबर है कि नहीं, विवेचती बराबर है कि नहीं, मुंचती बराबर है कि नहीं, इतना आपको देखना है। पित्त धरा कला व
वापिस मनोहर स्रोतस वाले बहुत सारे पेशेंट आपको पित्त धड़कला के हिसाब से आएंगे, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम वाले सगले आएंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले सब पित्त धड़कला दिमाग में रखे दुरुस्त कर सकते है। अपान वायु ये सबसे आखिरी का काम है। अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरा शुक्रार्थ व शुक्रमूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। अभी उद्भव स्थान अपान का बहुत बढ़िया है, दिमाग में पक्का रखो। गुदवम गुदम अवस्थितम स्थानम अपान, अपान का उद्भव स्थान क्या है तो गुद की जो तीन वली है प्रवाणी विसर्जनी और वो गुद अवस्थित जो स्थान है उतना ही अपान का स्थान है। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन करवा दिया पकवाशय उद्भव स्थान है, फिर पकवाशय को हमने निकाल दिया और ये पैसा पेशेंट जिंदा कैसा है, तो उसका उद्भव स्थान उत्तम अवस्थितम डॉक्टर लोग रखते है पूरा पकवाशय निकालते तो भी गुद को मत कभी निकालते नहीं, तो अवस्थित स्थान उधर रहता है और फिर वो कम ज्यादा मात्रा में बाकी बातों करता है या उसके उसमें पकवाशय निकाला तो कोई ना कोई बाकी वायु की बिगाड़ आपको दिखती है, लेकिन उसका जो पकवाश है उसका उद्भव स्थान है लेकिन गुदम अवस्थित स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग पर। श्रोणी बस्ती मेढ्र ऊरु गोचर ये विचरण से नहीं घूमने वाले स्थान है उसके, यहाँ घूमता है वो। फिर अपान वायु पे जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं वहां पे शुक्र आर्तव शक्रम मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया इतना कार्यक्रम अपान का है, यानी निष्क्रमण क्रिया जो बिगड़ी हुई है तो वह आप शुक्र धातु के दृष्टि वाले जितने शुक्र दृष्टि के चार प्रकार बताए या स्टरलिटी के जितने भी पेशेंट आएंगे वह आपको बस्ती के दो प्रकार करने हैं, पहले या शोधन बस्ती फिर शमन बस्ती और उसके बाद में वृषत्वकृत बस्ती शुक्रकृत बस्ती इस्तेमाल करेंगे तो शुक्र दृष्टि वाले पेशेंट जल्दी अच्छे हो। शुक्र वाजीकरण द्रव्य आप ऊपर से देंगे और बस्ती के जरिए देंगे तो चार गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। चरक ने शुक्रकृत वृषत्वकृत बस्ती स्पेशल देके रखे। आर्तव निष्क्रमण क्रिया अभी पीसी ओडे वाले सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं, वायु दो ही प्रकार धातु क्षयात कोपात मार्गस्थ आवरण में, तो पीसी ओडी वाले भी वैसे ही पेशेंट आपको मिलेंगे। एक ज्यादा ब्लीडिंग वाला पेशेंट आता है वो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होता है और जिसको चार चार महीने महावारी आती नहीं है मेंसेस आती नहीं है वो मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप होता है। दोनों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीसी ओडी की वैसे देंगे, मार्गावरोधजन्य वाला होगा तो उसको सस्ने निरोध देंगे उस पेशेंट का अपोतर्पण करेंगे बस्ती से लेके नवमन बस्ती वात कंट्रोल करेंगे, फिर उसको अच्छी तरह बड़ा वमन करेंगे नस्य करेंगे, जरूरत लगी तो शाखागत दोष दृष्टि निकलेंगे तो रक्तमोक्षण की व्यवस्था। धातु क्षय वाला पीसीओडी वाला पेशेंट आता है तो पहले अनुवासन देंगे वात को शमन करेंगे कौन सा धातु क्षय हुआ है रक्त धातु क्षय हुआ है, फिर रक्तवर्धक द्रव्य देंगे रक्त रस रक्त धातु का सवन अच्छा बनाएंगे और फिर उसको कंट्रोल में करेंगे। तो ये दोनों भी पीसीओडी वाले आर्तव क्रिया जो है अनुलोम अपान वायु अनुलोम रहा तो ये आर्तव क्रिया प्रॉपर होती है और आपने बिना अपान की चिकित्सा किए कितना भी पीसीओडी की ट्रीटमेंट की तो चार चार छह छह महीने आप ट्रीटमेंट करते रहो पेशेंट जल्दी अच्छा होगा नहीं, जल्दी अच्छा करना है तो अपान का कार्यक्रम प्राकृत रखो अनुलोम रखो। शकृत मलाष्टम्ब वाले कितने पेशेंट है अभी तो मुझे लगता है सिर्फ मलाष्टम्ब की भी ओपीडी एक ने किसने भी निकाल दी तो कम से कम 150-200 पेशेंट रोज के उसको। शकृत के अलग अलग प्रकार है मल को खड़ा होने से लेके प्रवाही के से लेकर आवाज बंद करा लगेच आवाज प्रवीण सर बोला तुम्ही शकृत आणि गर्भ निष्क्रमण क्रिया मूत्र प्रवृत्त मूत्र के जो प्रकार जितने भी मूत्रकृत छके आते हैं हमारे पास वो लेकिन आश्मरी में सिर्फ एक चम्मच घी सवेरे दो चम्मच खाना जीर्ण होने के बाद देते बैठेंगे उसके साथ एक आधा निरो देंगे तो गर्भिणी ने तो आश्मरी लवकर निकलता है। ज्यादा शूल है आश्मरी का एक अनुवासन दे दिया तो तुरंत शूल कम हो जाता है, वैसा ही आश्मरी के साथ बहुत मूत्र कुच्छे के प्रकार है जिसे अपने मूत्र की जो अभी जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर जितने भी पेशेंट अपने पास आते हैं पकवाशय में सार्केटिव वजन दिमाग में रख के वजड़ी का बस्ती से लेके ससने निरो बस्ती से लेके अलग अलग प्रकार की बस्ती हम उसमें कर सकते हैं। गर्भ निष्क्रमण क्रिया नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो सातवें दिन के बाद बस्ती का कार्यक्रम आपको कंपलसरी उसको करना ही है,
तो गर्भ निष्क्रमण की अच्छी होती है। अपान वायु का अपान काल में अच्छा दीपन पाचन ग्रुप देते रहेंगे गर्भिणी को, उसको भी फायदा होता है। सूतिका है उसका भी अपान वायु की दृष्टि होनी चाहिए, इसलिए सूतिका के बाद में भी छोटा सा अनुवासन या मात्रावस्थ दे दिया तो भी उसके टाके अच्छे निकलते बात का अनुगमन होता है, गर्भाशय का भी आकार कम हो जाता है, वजन बढ़ता नहीं, मेदो वृद्धि होती नहीं, ये बहुत सारी चीजें हम उसको बाद में बस्ती का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब पाचों वायु के तरीके और पाचों वायु को इस तरीके से आप सोच के आप चिकित्सा उपक्रम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा द्रव्यों की, ज्यादा कल्पों की, ज्यादा महंगे वनस्पतियों की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको वात का कंसेप्ट मालूम है। वात के लिए फिर तेल है तो सोने के भांडे वाला तिल्ली का तेल चलेगा, चांदी के वाला भी चलेगा और मटके का वाला भी चलेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट मालूम है वात के लिए तेल है। तिल्ली का नहीं है तो फिर खाने का तेल भी थोड़ा बहुत काम करेगा। तो ये सामान्य और विशेष पंचकर्म की प्रक्रिया आपने ध्यान दिया और वात का इस तरीके से उपक्रम अलग अलग चिकित्सा अध्याय में, क्योंकि हमारे ओपीडी में सबसे ज्यादा आते ही पेशेंट वात के हैं और उसको वात के लिए हम वैरायटी ऑफ प्रोसीजर करके बैठेंगे तो प्रोसीजर में पेशेंट का विश्वास जल्दी बैठता है। सिर्फ आप दवाइयां बना के 8-8, 15-15 दिन की उसको घर पे भेजते रहेंगे तो 2-4 बार आता है, 4-5 बार वो दूसरे रास्ता माप लेता है और दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए पंचकर्म पहले, फिर शेष दोषों के लिए शमन और पुनर्भोग के लिए निदान परिवर्जन, वो धातु क्षय जो होगा या जहाँ खवैगुण होगा उसके लिए रसायन, और उसके बाद में हमारी ओपीडी साल भर अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ऋतु शोधन, यानी वर्षा ऋतु वाला आया कोई भी वातवादी उसको पढ़ा के रखो कि वर्षा ऋतु आया तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में ऋतु संधि में ग्रीष्म ऋतु खलास हो गया वो 8 दिन और वर्षा ऋतु शुरू हो रहा है वो 8 दिन, वहां संचय वात का ग्रीष्म ऋतु में जो संचय है उसको ही वर्षा ऋतु की शुरुआत में हमने ये स्वस्थ व्यक्तियों को या जिनको ऋतु शोधन करना है उनको करवा दिया, तो बाद में वात प्रकोप वाले जो 15 दिन के बाद आने वाले पेशेंट है या आधा वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद आने वाले पेशेंट है वो ज्यादा प्रकोपित वाले आते हैं, तो वहां आपको आपके लिए अलग टाइम रहेगा कि वर्षा ऋतु में आपकी वो पीढ़ी भी क्लियर चाहिए। ऐसे ऋतु शोधन, हर ऋतु का शोधन उस दोष का हम करते रहेंगे तो साल भर हमारा कार्यक्रम पूरा पेशेंट का होता है और पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी हमारी बढ़ती है। मुझे लगता है मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की, या रुकना है कि चालू रखना है सतीश जी? चालू रखो प्रवीण सर, आप छोटी छोटी क्रिया जो करते है उपना या पिंड पेशेंट को घर पर करने को क्या उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। अभी एक एक प्रोसीजर पे जाएंगे अपन, इसके अलावा जो पंचकर्म तो आपको सबको मालूम है, इसके अलावा हम सबसे ज्यादा वात व्याधि में रक्त मोक्षण करवाते हैं। अभी रक्त मोक्षण करने का तरीका भी दिमाग में रखो, वायु धातु क्षयात कोपात, यानी रक्त कितना निकालना है आपको, 20 ml, 30 ml, 40 ml, जानु संधि शूल है तो वहां घुटने के पीछे जो भी कैपिलरीज मिलेंगे वहां से शिराभेद कर सकते हैं। सर्टिका है, घृद्रसी है तो उसको इंद्रवस्थि मर्म के ऊपर नीचे रक्त मोक्षण करने को बोला है। अभी अवस्था आपको देखनी, तीव्र शूल है तो सद्यो राग रुजा क्षमा, तुरंत हम रक्तमोक्षण वहां घुटने के पीछे से करवा देते हैं या रुद्रसी के ऊपर करवा देते हैं तो रिजल्ट उसको मिलना है 100% मिलता ही है। शूल कम हो गया तो उसको विश्वास बढ़ता है, विश्वास के साथ में हमने उसको नस्य पिंड श्वेत नाड़ी श्वेत ये प्रकार वहां अपने ओपीडी में करवा लिया। बहुत पेशेंट को ऐसे बाहर गाँव के रहते हैं उनको पिंड हम यहाँ बुला के नहीं कर सकते, या उसको प्रैक्टिकली या हमारी ओपीडी जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर जैसी, हम पैसे ही लोगों को कम लेते हैं तो उसको बेचारे को भाड़े को पैसे नहीं रहते तो पंचकर्म को 1,000-500 रुपये कहाँ से देंगे। फिर हमको पिंड श्वेत सिखाते कि पाव बाटी चावल लेना है उसमें दशमूल भरड़ या हमारे पास जो भी पौष्टिक उसके हिसाब से जो भरड़ होंगी उस भरड़ उसको देते हैं, उसको दूध में पानी में या उसके पास जो भी चीजें होंगी उसमें गर्म पकाने का है, पौष्टिक चाहिए समझो कुछ भी नहीं है तो उड़ीद की दाल 4 चम्मच डाल दो उससे भी काम हो जाता है। पत्र पोटली हम बनाते हैं, अलग अलग हमारे पास जितनी यह वनस्पति लगाई है उसके पत्र हम जमा करके रखते हैं, पारिजातक से लेके अपने सहचर से लेके जो भी हमारे पास पत्ते होते हैं उसका पत्र पोटली हम यहाँ बना के रखते हैं, पोटली पेशेंट को दे देते कि आप उस पत्र पोटली का काम करो। उपनास वेद रोटी का, गेहूं की रोटी एक बाजू भुननी एक बाजू कच्ची रखनी है, भुनी हुई बाजू को अरंडी का तेल लगा के उपनाह बांधना है, रोज रोज उपना बांधने को बोलेंगे तो पेशेंट आगे जाएंगे कि ज्यादा करके संधिगत वात में। फिर 7 दिन रोटी का सेक किया तो 7 दिन अर्कपत्र का स्वेदन करने को बोलना है, 7 दिन एरंडी का पत्र जब तक उसको ढूंढ के रखने को बोलना है, उसके 15-21 दिन के बाद
एरंडी का पत्र उसको लगाने को बोलना है। संधिगत वात ज्यादा करके स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट को लेप की प्रक्रिया बहुत अच्छा काम करती है। कांजी में पका के लेप लगाएंगे तो खिंचाव जोरदार आता है और उसका फायदा ज्यादा बताए। कटी बस्ती के लिए पाड़ा बेड़ा करते बड़ी मात्रा में तेल पहले रखते थे, अभी उसके बजाय पीचू रखो तो कटी बस्ती उससे ज्यादा और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मंध्या बस्ती के लिए काम में आता है। संधिगत वात में स्नेहन अच्छा हो गया बाह्य अभ्यंतर, उसके बाद में पंचकर्म करते करके उसके स्पॉट हम दिमाग में रखते हैं। घुटने का कौन सा एरिया झीज हुई है, कौन सा हड्डी को हड्डी लगती है तब दर्द होता है, उस पॉइंट को मार्क करते हैं और 5 दिन 7 दिन या 14 दिन का उसका स्नेह का सम्यक स्नेह के सब लक्षण उसको देखते हैं तो उस टाइम हम अग्निकर्म करवाते हैं। अभी अग्निकर्म अभी पेशेंट को एकदम सुनेगा नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं तो कोई भी सिद्ध तेल का पीचू घुटने के ऊपर रखते है और पहले शलाका गर्म करके वो कापूस के ऊपर शलाका से गर्म झटका देने की कोशिश करते हैं। कापूस के ऊपर शलाका लगाने से पेशेंट को दर्द नहीं होता या जलन नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा स्वेदन होता है वो, लेकिन उसका डर निकल जाता। ऐसा एक दिन किया या दो दिन भी किया तो उसका डर निकल गया ऐसा दिमाग में आया, जब तक स्पॉट मालूम हो जाते 3 या 4 उस टाइम फिर जिस दिन आप अग्निकर्म करना है उस दिन फटाफट विदिन ए सेकंड 3 या 4 स्पॉट उसी जगह पे हमने घुटने के ऊपर लगा दिए तो संधिगत वात वाला का शूल 100% चला जाता है और बाद में वापस उसको दर्द होता नहीं। आवरण ये लगा दिया तो हमारी तकलीफ 100% कम हो जाती है। उससे स्पॉन्डिलोसिस वाले को भी ऐसी तरह अग्निकर्म आप कर सकते हैं। जानू बस्ती कटी बस्ती सब करने के बाद सम्यक स्नेह के लक्षण आते हैं स्पॉन्डिलोसिस में। और हम ध्यान रखते हैं को कमर में ही ध्यान में नहीं देना है, अवलंबक कफ है। आप फोन बंद करेंगे नंबर आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको भी हम कर। अमित सर माइक बंद कर, प्रवीण सर माइक चालू कर फक्त तो उसको जहाँ लंबे स्पॉन्डिलोसिस वाला पेशेंट आता है तो वो उरस्ता से त्रिकस्य है तो उरस्ता स्थानीय छाती को भी तेल लगा के स्नेह सदन हम करवाएंगे और फिर कटी बस्ती नाड़ी से उसका फायदा 4 गुना ज्यादा मिलता है। और फिर वापान वायु की जो दृष्टि वहाँ ज्यादा मात्रा में होती है लंबर लुब्रिकेशन हमको ज्यादा दिखता नहीं हमारे। प्रवीण सर तुमचा माइक चालू करा था हिरव बटन मधल सेंटरचं बटन चालू करा प्रवीण सर। आला आवाज आला आता येतोय आवाज? हो प्रवीण सर येतोय आवाज। हो ठीक है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में वात के साथ कफ का विचार करना जरूरी है, इसलिए हम छाती को तेल नमक लगा के सेकने को उस पेशेंट को कम से कम 7 दिन की जो प्रक्रिया उसमें 1 या 2 दिन हम करते या उसको बोलते रोज नहाते समय छाती को तेल नमक लगा के सेकना है। आपको पकवाश है कटी ये वात का संचारी स्थान है और अवलंबक कफ का भी संचारी स्थान है, दोनों का आपको कंट्रोल करना है तो आपको ट्रीटमेंट में अवलंबक कफ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और वो अवलंबक कफ यहाँ अपान वायु की दृष्टि कंट्रोल करने में आपको मदद करता है और रिजल्ट आपको ज्यादा टाइम देता है। इसलिए स्थानिक स्नेह स्वेदन भी उसको कटी बस्ती पिंड स्वेद नाड़ी स्वेद के साथ आपको करना ही है छाती को। वहाँ अवलंबक कफ की उत्पत्ति अवलंबक कफ के जो भी गुरु मंद हिमस लिखते जो भी लक्षण है कफ के उस पेशेंट में कुछ है क्या कहा कहीं कपक्ष है की वजह से वात प्रकोप हुआ है वह हमको ध्यान देना है। उस हिसाब से फिर उसको उस तरीके से मज्जा सिद्ध तेल के अनुवासन बस्ती हम देते हैं। मज्जा सिद्ध तेल बना के रखना है आपको मांसरस सिद्ध तेल के अनुवासन बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ मांस क्षय होगा कटी प्रदेश में धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होगा अवलंबक कफ क्षय होगा तो मौसक क्षय वाला पेशेंट वास्पिक सुष्टता संधिवेदन आपको दिखती है तो वास्पिक सुष्टता संधिवेदन है तो अनुवासन बस्ती बहुत अच्छा काम वह करता है। मज्जा सिद्ध तेल का अनुवासन बस्ती कर सकता है। सर्पिक शीर्ष तिक्तरस का अनुवासन हम वह उस पोषण के लिए स्पॉन्डिलोसिस में कर सकते हैं। वैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा तो वात के साथ पित्त के बारे में सोचना है कि वहाँ पित्त के लक्षण पित्त के जो उद्भोषण और संचारी स्थान के बिगड़े हुए तो नहीं है वो आपको देखना है। और फिर वहाँ मन्या प्रदेश में स्नेहन स्वेदन के अलावा लेप की चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है, नस्य की चिकित्सा अच्छा काम करती है,
पित्त का अनुलोमन अच्छा हो गया, पित्त को हमने विरेचन देखे निकाल दिया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट और अच्छा आते हैं, नमनेस कम हो जाता है, वहाँ जलव का स्थान अवगाढ़ तू जलव का स्थान, यहाँ जितना लंबर रीजन में जलव का आपने मैंने बहुत बार लगा के देखा कोई मुझे इतना फायदा नहीं मिला कुछ पेशेंट में, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आप जलव का खांधे के ऊपर लगा के देखो आपको जहाँ बहुत ही तकलीफ है अभी सब करके देखा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो जलव का वहाँ अवगाढ़े जलव का सा काम वो बराबर करवाती है और वहाँ का सप्लाई सुधर जाता है और स्टिफनेस कम हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर में भी उसका फायदा आपको जलौका का मिल सकता है, अग्निकर्म का मिल सकता है। ये सब चीजें वात व्याधि के बारे में हम अलग अलग टाइप के कर सकते हैं। अभी अग्निकर्म कितना करना है तो पहले त्वक दग्ध तक करना है, त्वक दग्ध वाला अग्निकर्म कैसा रहता है तो फटाफट आपका हाथ हिलना चाहिए, दो तीन चार पानी जो भी मारने तो मारने उसके ऊपर तुरंत शतदौत घृत आपने लगा दिया तो फिर उस पेशेंट को उतनी उसकी सहन शक्ति बराबर होती है कि वो गड़बड़ ज्यादा करता नहीं और उसको बिना बताए आपने वो प्रक्रिया जल्दी करवा दिया अग्निकर्म की, तो दो चार मिनट आधा घंटा पेशेंट तकलीफ देता है लेकिन तुरंत उसको चलाया और रिजल्ट मिल गया तो अग्निकर्म जैसा निराम वायु में दूसरी चिकित्सा नहीं, और वो कंपलसरी पेशेंट को आपको करनी है, लेकिन करवाते वक्त ना अपनी शलाका उसको दिखनी चाहिए ना आपका स्टो गैस दिखना चाहिए, उसको सिर्फ उसके घुटने के ऊपर पड़े हुए दो चार डाग दिखनी चाहिए। मांस दग्ध वाले जो पेशेंट है उसको मात्र 5-7 दिन आपको कंपलसरी बुलाना है या अच्छी तरह ड्रेसिंग करना है जिसकी वजह से उसकी कोई बाकी डिस्टर्बेंस उसको होना नहीं चाहिए, उस हिसाब से ध्यान देना है। अर्दिते नावनम मूर्धनि तैलम, ये आप अर्दित के बारे में बात व्याधि के हिसाब से देखेंगे, लेकिन जितने शिरो रोग है उर्ध्वजत्रुगत विकार प्राय रक्त प्रदोष, रक्त पुराने हो गए कि रक्त प्रदोष जो रहते हैं रक्त दृष्टि उनमें रहती है, इसलिए मन्या प्रदेश में से रक्त मोक्षण सर जुगुलर वेन से रक्त मोक्षण शिरशूल होगा, कर्णशूल होगा, नेत्र रोग होंगे, मुख रोग होंगे, नासा रोग होंगे, तो इसमें रक्त मोक्षण बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या करता है तो स्रोतोरोध नैसा करवाता है, सर्कुलेशन वहां का सुधार देता है, इसलिए वो पेशेंट शिरो रोग वाले ज्यादा करके हमारे पास ज्यादा आएंगे, माइग्रेन वाले पेशेंट सबसे ज्यादा आते, ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया वाले, न्यूरलजिया की अलग अलग प्रकार के न्यूरलजिया वाले पेशेंट हमारे पास आते, स्ट्रेस इंड्यूस आते, सेरिब्रल एट्रोपी वाले आते, कंपोवात वाले आते, पार्किंसोनिज्म वाले आते, यानी वहां मज्जाक्षय वाले पेशेंट आते, कफक्षय वाले पेशेंट आते, आपको सिर्फ ढूंढना है कफे भ्रमा, कफक्षय वाला पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो क्या बोलेगा, श्लेष्माशयनम शून्यतम रुद्रवश लत संधिता, धड़धड़ होती है और हाथ पैर ढीले पड़ते हैं तो कफक्षय, असना मज्जा नि सौशीर्य, मज्जाक्षय वाला आया तो क्या बोलेगा, असना मज्जा भ्रमस्तिवीर दर्शन है, चक्कर भी आ रही और आंखों के सामने अंधेरी भी आ रही, मज्जाक्षय, फिर वहां उसका पोषण करवाओ, उसको शिरोबस्ती बांध के रखो, मज्जाक्षय कम हो गया, तर्पण हुआ, तर्पक कफ का काम क्या है, तर्पण, किसका तर्पण करना है, कफ का तर्पण, मज्जा धातु का तर्पण करना है, मज्जा रहता का है अस्थि के बीच में, बनता कब है तो मेद के बाद में बनता है, इसलिए मेद धरा कला पढ़ेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म अणुअस्थि करके एक शब्द आया है, वहां वो मज्जा धातु की निर्मित के लिए स्थूल और सूक्ष्म अणुअस्थि मज्जा पूर्ण करता है तब अस्थि धारण करता है और इसलिए बोन मैरो में खून बनता है ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन वो स्थूल सूक्ष्म अणुअस्थि अस्थि मेदो धारा कला का उसका रिलेशन आपको दिमाग में आके काम किया तो बराबर वो तर्पण का काम होगा, तर्पक कप का, तो मज्जा का व्रण होगा, मज्जा व्रण हो गई तो प्राणवायु का शमन होगा, प्राणवायु ठिकाने पर आया तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय अच्छा काम करने लगेंगे और फिर उस कंपोवात में उस पेशेंट में बोलने में चलने में हालचाल में आपको रिजल्ट ज्यादा मिलने को फायदा होता है। इसलिए वो शिरो रोग के जितने प्रकार है, आर्द्रा भेदक है, सूर्यावर्त है, अनंतवात है, ऐसे पेशेंट बहुत सारे है, कान में सुनाई नहीं देता, आधा सुनाई देता है, अच्छा सुनाई नहीं देता, कर्ण गुथक बार बार हो रहा है, कान ये वात का संचार स्थान है, कर्ण पूर्ण कंपलसरी करो, लेकिन कोई भी ऊर्ध्वजत्रुगत विकार में एक प्रोसीजर से रिजल्ट मिलता नहीं क्योंकि वो पूरा कॉम्पैक्ट है, यानी कर्ण पूर्ण करने वाले को एक आधा तो भी शिरोवस्थि आपको बांधना ही पड़ता है, नष्ट उसको घर पे प्रतिमर्श नष्ट करने को बोलना ही पड़ता है, ज्यादा पुराना है तो रक्त मोक्षण उसका हाथ से कर्पूर संधि से या मन्या प्रदेश में से निकालना ही पड़ता है। तो ऊर्ध्वजत्रुगत वाले पेशेंट सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं क्योंकि कान्ना घसा वाले का क्राइटेरिया फिक्स है और ENT का फायदा अपने को ऐसा है कि एक कान वाला बोलता है कि तुम्हारे कान की ऐसी ऐसी हालत खराब है, दूसरा भी वैसा ही बोलता है, तीसरा भी वैसा बोलता है, तो पेशेंट को समझ में आ जाता है कि इनके पैथिन में अभी कुछ नहीं है, अभी अपने को दूसरी पैथिन देखनी पड़ेगी,
तो हमको उसके साथ वो पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते, कर्णगुथक, कर्णनाथ, कर्णबाधीर्य वगैरह वगैरह वाले जो भी है, रेटिनोपैथी वाले जो पेशेंट है, मज्जा धातु वाली दृष्टि वाले जो पेशेंट है, न्यूरोपैथी वाले जितने पेशेंट है, तो उनको हम इस हिसाब से ऊर्ध्व चतुर्गत और उसका उद्भव स्थान देखना है। प्राण वही उधर बिगड़ा है तो प्राण का पोषण अपान करता है, इसलिए अपान को फिर बस्ती से पोषण करो। अपान के जरिए ऐसे द्रव्य डालो मज्जा धातु वर्धक कि जो प्राणवायु को पोषण करेंगे और मज्जा धातु का पोषण करेंगे। ऐसी चिकित्सा का कार्यक्रम हम करते हैं। घटी यंत्र हम एक करते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, या जहाँ जहाँ मसल का स्टिफनेस रहता है, सिर्फ मेणबत्ती रख देने की है और कांच का ग्लास, जहाँ दर्द है मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन आप अच्छी तरह समझ लो और कहाँ स्टिफनेस है वो देख के वहाँ वो घटी लगा दी तो अच्छी तरह खिंचाव आता है और मसल तुरंत रिलैक्स हो जाता है। और बाद में आपने स्नेहन स्वेदन किया तो उसके रिजल्ट पेशेंट को 4 गुना ज्यादा मिलते हैं। जितना हम पंचकर्म करते हैं उससे ज्यादा पेशेंट को दिनचर्या में और व्यायाम की अलग अलग प्रक्रिया में आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट अच्छी तरह मसाज विसाज करके घर पे जाता है, स्नेहन स्वेदन करके जाता है और बाद में घर पे जाके फिर आप पूरा आराम करता है। सुखशीलता जो सामान्य चिकित्सा में वर्ण शब्द आया था उसका सुखशीलता, इसका अर्थ खाने के 1 घंटे बाद शतपावली करने के बाद आप पैदल वामकुक्षी कर सकते हैं, वो भी 10-15 मिनट, ऐसा उसको बताना पड़ता है उसकी प्रकृति के हिसाब। वात प्रकृति और वात व्याधि है तो जरा कष्ट साध्य, कफ प्रकृति और वात व्याधि है तो सुख साध्य, पित्त प्रकृति और वात व्याधि है तो थोड़ा सा याप्य, ये भी आपको साध्या साध्य के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस हिसाब से उसको पेशेंट को, पेशेंट आपको वही बोलता है कि मुझे कितने दिन में अच्छा लगेगा, कितने दिन में मेरे घुटने अच्छे हो सकते हैं, तो उसको आप बता सकते हैं कि अस्थि धातु की बिगाड़ है तो 7-8-35 दिन दवाई जाने तक लगेंगी, 35 दिन होने के लिए लगेंगी, लेकिन 70 दिन में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आप अच्छी तरह परहेज करेंगे तो, यानी परहेज करेंगे तो तुम्हारा 70 दिन में अच्छा हो सकता है, परहेज नहीं करेंगे तो और 70 दिन और 70 दिन का मंडल चालू ही रहेगा। ये जो मानसिकता रहती है सुख साध्य कष्ट साध्य आपके, वो देख के पेशेंट को आपने वो कॉन्फिडेंस दे दिया तो 100% तकलीफ कम हो जाती है। अभी स्पॉन्डिलोसिस वाले ज्यादा करके पेशेंट हमारे पास आते और उसमें स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ मलावस्तंभ स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ कोई पित्त धरा काला की यानी ग्रहणी की विकृति वाले कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं तो वहां बहुत बार व्याधि संकर रहता है। तो व्याधि संकर जब हमारे पास आता है या अर्शवातिसार ग्रहणी विकार हमारे पास पेशेंट आते हैं, अर्श वाला आता है लेकिन उसको बार बार प्रवाहिकी की स्थिति रहती है, उसके बाद में अर्श बना हुआ रहता है, ग्रहणी रहती है उसके बाद में अतिसार या कॉन्स्टिट्यूटेड आईबीएस या लूज मोशन आईबीएस वाले आते हैं, तो हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट को उस तरफ से आपने अच्छी तरह ध्यान दे के हिस्ट्री लिया और वो भी ऐसी गप्पा मारते मारते उसने उसको पूछा तो प्रॉपर हिस्ट्री आपको मिल गई, तो बटन दबाए जैसा काम आपको मिलता है। यानी हर वैद्य का चिकित्सा का अलग अलग प्रकार रहता है। कुछ वैद्य दोषों का इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा के लिए, कोई धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, कोई सारा सरोतों का इस्तेमाल करते हैं, कोई हेतु ढूंढने का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जब हेतु मिलते निदान परिवर्जन करके उसका कार्यक्रम हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उसके बाद में पथ्यापथ्य व्यायाम ये चीजें पेशेंट को फॉलोअप के लिए आपको कंपल्सरी ऋतु शोधन, ऋतु बदला कि ऋतु शोधन के लिए बताओ, बुलाओ ना यार ऋतु बदलने के बाद, पानी का मौसम गया और अभी ठंडी का मौसम आने के पहले तुझे मुझे मिलना ही है तो ही तू आगे जाके अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं। ये जो पेशेंट का फॉलोअप है वो पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी बढ़ाने के लिए भी आपको काम में पंचकर्म के बारे में मिल सकता है। वात व्याधि के जो बाकी जो प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ होती है ओपीडी लेवल में, मैं ज्यादा करके बताता हूँ। जो मेरे पुणे में बम्बई में जो दोस्त अभी 4-5 साल या 8 साल पहले प्रैक्टिस करते थे उनकी हालत कर सोच के आपको बताता हूँ। पेशेंट आया और आपने हर पेशेंट को योगराज गुगुल माया, योगराज गुगुल महाराष्ट्र नदी काढ़ा ये लिखने की कोशिश की, अभी नेट भी चालू हो गया है, रामदेव बाबा भी चालू है, तो लोग बोलते ये मायोगराज गुगुल में खा के आया हूँ, महाराष्ट्र नदी काढ़ा मुझे मालूम है, त्रयोदशांग गुगुल आमके आमके वैद्य ने मुझे दिया था, ऑलरेडी वो सब तरफ ये वात व्याधि वाले घूमते ही रहते। इसलिए ज्यादा करके आमवात के वात रक्त के पेशेंट जो है ये याप्य कष्ट साध्य या असाध्य इसी क्राइटेरिया में आपको मिलते हैं। इनको शोधन करने से हम क्या कर सकते हैं, शोधन से फायदा क्या होता है, असाध्य वाला कम से कम याप्य में आता है, याप्य वाला कम से कम कष्ट साध्य में आता है, लेकिन आपको उसको कंपेरिजन करना है
समझो रूमेटिज्म वाला पेशेंट आया, तो आप उसको बोलना मेरे तरफ से और 500 रुपए लेके जाओ, रूमेटोलॉजिस्ट को पूछ मैं कितने दिन में अच्छा होने वाला हूँ। फिर वो रूमेटोलॉजिस्ट उसको अच्छी तरह धुलाई करता है और बताता है कि तू अच्छा बिच्छा कुछ होने वाला नहीं है, दवाई से तू तेरा सिर्फ दर्द कम होगा, तकलीफ कम होगी, तू इतने इतने साल तक जिएगा, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ये भी दवाई तेरे को बंद करनी पड़ेगी। या उसको बोलना नेट पे जा, HCQS के राइज साइड इफेक्ट्स क्या है, सांस के साइड इफेक्ट्स क्या है, वो तू पढ़ और फिर हमको पूछ कब अच्छा होने वाला। ये भी मॉडर्न का कंसेप्ट, आपको आपको खुद को भी ध्यान में रखना है और पेशेंट को भी ध्यान में रखना है, यानी साध्या साध्यति के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। तो हमारे पास वो कल्प अलग अलग तैयार करने की, इसलिए वाद वैदिक के हमने बहुत सारे कल्प बना के रखे है, एकदम छोटे छोटे कल्प है। कुबेर वटी एकमेव कुबेराक्ष अंति शूल शततरम, एक कुबेर यानी सागर गोटा, 300 प्रकार के पेट में जो भी शूल होगा कहीं भी, तो कुबेर वटी है, मसल रिलैक्स करता है, एंटी स्पैजमेटिक एक्शन है उसकी अच्छी तरह। और एक में उसमें क्या क्या है, लहसुन है उसके साथ। अभी वात में दो चीजें कुबेर के बाद में हम जो वेदना शामक आयुर्वेद में कुछ नहीं ऐसा जो बोलते हैं, तो पहला रक्तमोक्षण है, दूसरा कुबेर है, तीसरा भल्लातक है। उन्होंने बताया कि कफ प्रधान और वातानुबंधी जितनी व्याधि होंगी वहां भल्लातक का इस्तेमाल करो। अभी भल्लातक देने में दिक्कत आती है या डर लगता है, फिर सब आपको सिर्फ क्राइटेरिया फिक्स है, पित्त नहीं है ना, हीट नहीं है ना, गर्माश नहीं है शरीर में, आप बिंदास भल्ला तक दो, ग्रीष्म ऋतु है छोड़ दो, शरद ऋतु है छोड़ दो, बाकी ऋतु में भल्ला तक आप इस्तेमाल करो। डायरेक्ट भल्ला तक नहीं कर सकते, भल्ला तक का सब लाना है, उसमें हरितक ही डालना है, हो गए तुम्हारी भल्ला तक हरितक। भल्ला तक क्या है, कफो प्रधान है, हरितक ही क्या है, वातानुलोमन है। कफो वातानुमक व्याधि में भल्ला तक हरितक ही जैसा रिजल्ट नहीं, चार गोली सुबह छोटी छोटी चार गोली शाम को दे दिया तो कोई डाइक्लोफेनिक सोडियम काम नहीं करती, उससे ज्यादा काम भल्ला तक हरी तक ही काम करती है। और हो गया भल्ला तक से तकलीफ तो क्या करना है, खोबरा खाना है, घी खाना है, कोथिंबीर देनी है और आहार में 7 दिन का संशोधन कम करवा देना है, 2 दिन में वो ठिकाने में आ जाता है। लेकिन ये चीजें आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेंगी। लहसुन आदि वटी, लहसुन कोई भी आवृत्त वात आपको समझे ना समझे दिमाग से निकाल डालो, वात प्रधान है और कफानुबंधी है या निराम वायु है और पित्त नहीं है, वह लहसुन जैसा श्रेष्ठ द्रव्य नहीं। लहसुन आदि वटी बताओ, प्लेन लहसुन की गोली बनाओ, लहसुन ऐसा पेशेंट को देने में आपको दिक्कत आ रही है, लहसुन शीरपाक बताओ 1 से 7, 7 से लहसुन की पाकड़ी बढ़ाते जाना है, कम करते जाना है, लहसुन खाने को दे सकते हैं, ऐसे द्रव्य जो है आप उसका इस्तेमाल, लहसुन वाले द्रव्यों का आप अच्छी तरह कर सकते हैं। मज्जा धातु का जो काम है उसमें अभी हरितक ही अनुलोमन है, लेकिन हरितकी का बीज आपको फोड़ना है, उसके अंदर का जो मगज मिलता है भल्ला तक जो बिब्बा जो है बेड़ा बीबी तक उसकी जो मज्जा है उसको आप इस्तेमाल करके देखो, मज्जा धातु में न्यूरोपैथी में वो शुक्रवर्धक जो भी चीजें है वो सब मज्जावर्धक में आपको मदद काम में काम करती है। तो ऐसे कल्प भी आपको, मैंने वही पहले बताया था, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, पेशेंट में जो प्रॉब्लम आता है वो केस पेपर एक तो पेशेंट के पास रहता है या अपने पास रहता है, तो समझो पेशेंट के पास है तो पेशेंट भी बीच बीच में उसका केस पेपर देखता है कि डॉक्टर क्या कर, मैं जाता हूँ क्या करता है, तो मुझे कुकुल का एक तो कल्प देता है, एक आश्वरिष्ट देता है, एक तेल देता है, एक गोली के नाम उसके भी पार्ट हो जाते। उस पेशेंट में सप्ताह है नहीं वो गुणा लाभ है, 7 दिन में रुग्ण को फायदा नहीं हुआ, संप्राप्ति वापिस चेक करनी है और संप्राप्ति चेक करने के बाद में चिकित्सा में बदलाव करना है। वैद्य ऐसा नहीं करता है तो रुग्ण ने वैद्य बदलने को बोला है, ऐसा वो श्लोक आता है। अभी संप्राप्ति कैसी चेक करती है तो उसके लिए दशविध परीक्षा बताइए, दुष्य दे पेशेंट आया और बोला कि मुझे फायदा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं वापिस उसको बैठाता हूँ, उसकी प्रधान वेदना एक के नीचे एक लिखता हूँ, हर प्रधान वेदना के सामने दोष कौन सा है, कौन से स्थान में है और अवस्था क्या है, साम्यावस्था की निरस्ता है, शाखागत है का कोष्ठगत है, उत्कृष्ट है का अनुत्कृष्ट है, ऐसा पूरा लिख के रखता हूँ और फिर उसके उसमें चेक करता हूँ, दुष्य देश बल काल अनल प्रकृति वय सत्व सात्म तथा आरस्य अवस्थाश्य पृथक विधा, यानी हर चीज उसको देखे। उसमें उसको जब ऐसा लगता है कि मुझे फायदा नहीं है लेकिन आज डॉक्टर मुझे अच्छी तरह डिटेल पूछ रहा है और मुझे तपास रहा है तो और अच्छी तरह टिके रहता है तुम्हारे पास, वो दशविध परीक्षा करने के बाद में हमको हमारी गलती समझ में आ जाती है, हम उसको दुरुस्त करते हैं। उसमें उसका जो श्लोक का आगे का जो दो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म ही समीक्षेषां,
अभी जो मैंने आपको सामान्य उपक्रम देके रुकता, लेकिन मैं हर बात प्राणवायु उदान वायु अपान वायु के डिटेल में क्यों गया, इसके और डिटेल में जाना है। अंश कल्पना, प्राण का रुक्ष गुण बढ़ा तो क्या होता है, उदान का रुक्ष गुण बढ़ा तो क्या होता है, अपान का रुक्ष गुण बढ़ा तो क्या होता है, सम्मान का रुक्ष गुण बढ़ा तो क्या होता है, शीत गुण अपान का बिगड़ा तो क्या होता है, प्राण का शीत गुण, अंशांश का सूक्ष्म ही समीक्षेषण क्यों करना है, सूक्ष्म ही समीक्षेषण, दोष औषध निरूपणे, यानी दोष और औषध इनका निरूपण करने के लिए समीक्षा सूक्ष्म सूक्ष्म आपको करनी है। आपको दोष भी समझ में आ जाता है, वात है उसका शीत गुण बढ़ा हुआ है, उसकी चिकित्सा उसका द्रव्य तुरंत आपको याद आता है, अरे वात शीत गुण बढ़ा है तो उसके लिए हमको स्निग्ध द्रव्य वाले और उष्ण गुण वाला ये द्रव्य देना है। दोष औषध निरूपण ही, दोष औषध निरूपण करने के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म दशवित परीक्षा आपको जिसको रिजल्ट मिलता है उस पेशेंट को करनी है। जो वर्तते चिकित्सायाम, जो आदमी इस तरीके से चिकित्सा करता है, न स्खलतु जातु चित, कभी भी गलती कर नहीं सकता, कभी भी उसका निदान गलत नहीं हो सकता, ये भागवत ने गारंटी दे के रखी है। इस गारंटी के साथ हम वात व्याधि वाले पेशेंट को अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है उसका फायदा अच्छा मिलता है। विमलापन एक प्रयोग आता है, व्रण शोध वाला पेशेंट आया तो उसमें क्या बताया, आधो विमलापन हम करो या द्वितीय मांसेचन, यानी उसको विमलापन यानी मसाज उसको ढीला करना है। अभी मसल स्टिफ वाले पेशेंट जब अपने पास आते हैं तुरंत उसको नाड़ी श्वेत देते हैं या पिंड श्वेत करने जाते हैं तो उसमें बहुत बार सामावस्था निरावस्था में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए हम यहाँ हमारे ओपीडी में अलग से क्या करना है पेशेंट को, उसको चाहिए कि मुझे और दूसरा कुछ तो भी आपने आज प्रोसीजर करनी चाहिए। हम बेलन वहां लाके रखा है, बेलन यानी मराठी में उसको लाटना बोलते हैं, पिंडलियों में स्टिफनेस ज्यादा है, क्वाड्रिसेप्स में स्टिफनेस ज्यादा है, पीठ के मसल्स में स्टिफनेस ज्यादा है, लैटिसमस डॉर्सी या ऊपर से ट्रेपेजियस वगैरह जो मसल्स रहते हैं वो जल्दी स्वेदन से जल्दी अच्छे नहीं होते, तो उसको विमलापन यानी वो बेलन उसके मसल्स के ऊपर से घुमाना है अच्छी तरह, यानी रुक्षण करना है। उसके बाद में यानी हमने क्या किया, स्नेहन के अलावा स्वेदन करते, लेकिन रुक्षण हम बहुत बार करते हैं बड़े से पेशेंट को, ऐसे टाइम हम उसको कि हमारे पास जो भी पुराना हुआ जो भी चूर्ण होगा, अभी त्रिफला चूर्ण 6 महीने के बाद इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन पड़ा है अपने पास उसको फेंकना नहीं। एक आधा द्रव्य हमने सूक्ष्म पाउडर बनाया लेकिन उसका जाड़ भरड़ा बाकी है, उसको उपटन भात पेट ऐसा उपटन करके हमने पॉकेट बना के रखा है, उस पेशेंट को फिर सामावस्था दिखती है तो हम रुक्षण करते हैं। यह रुक्षण साइटिका में बहुत अच्छा काम करती है, पीठ के मसल्स में मानपीठ कमर दुखती है तो वहां भी रुक्षण का ट्रीटमेंट अच्छा होता है, पेट के मसल्स छाती के मसल्स में स्टिफनेस आता है तो वहां भी रुक्षण की चिकित्सा हमको काम में आती है, अवभाग वाले स्तंभ वाले पेशेंट आते हैं तो वहां भी रुक्षण का काम अच्छा हो सकता है। तो ये रुक्षण चिकित्सा भी जो पाउडर अपने पास पड़ा है उसका रुक्षण करने का, उसको अलग से कुछ तो भी प्रोसीजर हुआ ये भी समझ में आ जाता है और हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है रुक्षण वो हो जाता है। शीत के उरत विरुद्ध अपन उष्ण करते, स्निग्ध विरुद्ध हम रुक्षण करते, तो ये रुक्षण हमारे पास बहुत बार होता है, तो रुक्षण हमारा हो जाए। समझो अपने वहां अपने ओपीडी में खराब नहीं करना है तो एक पुड़ी उसके पास में हम दे देते हैं घर पे जाके, अभी तेरा स्वेदन विदन सब हो गया है सामावस्था, इसलिए हमने तेल एरंडी का तेल लगाया है, घर पे जाके उपटन रगड़ के गर्म पानी से ना उसमें लगे तो तेरे को सुगंधित चंदन नगर मथा डाला हमारी पुड़ी में, यानी वो भी उसके खर्चे से उपटन की पुड़ी बन जाती है, और वो उपटन रगड़ के अंदर नहाता है। जैसे मैंने बोला वेस्टर्नम अभ्यंगम मर्दनम, मर्दन हम ओपीडी में नहीं कर सकते तो पेशेंट को बताना है, और उसके लिए अलग अलग पुड़िया जो अपनी भरड़ द्रव्य या जो मटेरियल हमारे पास जो पड़ा हुआ है उसमें रुक्षण का कार्यक्रम हम वात व्याधि में 100% कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रुक्षण में। ऐसी छोटी छोटी चीजें अलग अलग वैद्यों से हम उनसे उनकी चिकित्सा पद्धति जब पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में एक एक बैठते जाएंगे, जो भी सामने वाला बोलता है वो करके देखना है और करने के बाद में रिजल्ट मिलता है तो अपने चिकित्सा उपक्रम में उसको बढ़ाने का है। अभी कांजी काले पे कोई उदयपुर का हमारे पास आया था, उसने बताया था हम पहले गुड़ डाल के लेप बनाते थे बहुत अच्छा फायदा था, कांजी डाल के बनाए तो उससे और फायदा लिया पट्टबंध स्पॉन्डिलोसिस में। तो पुराने जमाने में जो हाड़ वैद्य थे तो मलम लगाते थे कॉटन के पट्टे को और उसको बांध देते थे अच्छी तरह और उससे रिजल्ट अच्छा मिलता था। फिर हमने डालडा घी लाया, उसमें आइडेक्स वाली जो चीजें रहती है आइडेक्स में, जैसा मैं आइडेक्स तुमको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपको जल्दी समझे, इसलिए मसल रिलैक्सेंट जो तेल रहते हैं हमारे पास मिलगिरी वगैरह वगैरह, वो डिटेल डालडा घी लेने का, उसमें वो जो भी
नीलगिरी के पत्ते होंगे हमारे पास, या उसके जरा ऐसे जो मसल रिलैक्स करने वाले जो तेल रहते हैं, लिनिमेंट बोलते हम, उसका सिद्ध ग्रुप बना लेने का, वो भी डालडा घी में बनाने का, बहुत अच्छा बनता है। और उसको अच्छी तरह कमर को भी लगा दिया तो भी फायदा होता है। एक आधा ज्यादा हुशार आदमी है तो उसको पूरा पट्टा जो है उसमें वो मलम लगाने का, डालडा घी का, ज्यादा रुक्षता ज्यादा है, सिर्फ हाथ से स्नेहन करके फायदा नहीं, घुटने को रुक्षता ज्यादा है, स्नेहन स्वेदन के बाद अच्छा लगता है लेकिन दोपहर तक शाम तक वो भी दर्द होता है। ऐसे को क्या करना है, तो उपना हम रोटी का सेक कितना बांधते हैं, 15-20 मिनट तक बांध सकते हैं, उसके बाद में रोटी ठंडी हो जाती है। फिर उसको हम ये मलम की पट्टी बांध देते हैं घुटने को, फिर वो पट्टी बांधने की वजह से मसल रिलैक्स तो होता है लेकिन वो आइडिया उड़ता नहीं, फिर उसका रिजल्ट हमको ज्यादा अच्छा मिलता है। ऐसे अलग अलग नुस्खे हम संधिगत वात में, वात रक्त में, स्पॉन्डिलोसिस में, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। मुझे लगता है और कुछ आपको प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। रुकना या चलेगा? प्रवीण सर आप पानी पी ले तक प्रश्न, बोल्डे सर आपको प्रश्न पूछेंगे। ओके चले, महेंद्र बोल्डे आणि अमित मकवाना। हाँ चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। महेंद्र बोल्डे फास्ट। प्रवीण सर, महेंद्र बोल्डे एमडी चिकित्सा संहिता में है, एक आयुर्वेद महाविद्यालय से, और अमित मकवाना द्रव्य गुण जामनगर से है, एमडी पीएचडी है। ये दोनों आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आए हुए हैं अभी बॉक्स में से, वो आपको पूछेंगे। अमित बताइए। हेलो। हाँ बोलो सर, सस्नेह न्यूरोवस्थी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, ऐसा प्रश्न आया है, बहुत से लोगों को ये नया। हाँ ये नानाजी का एक प्रक्रिया है, अपन बहुत बार क्या करते हैं, तेल का बस्ती, काढ़े का बस्ती ऐसा करते बैठते हैं, उसके बजाय हम क्या करते हैं, एनिमा पॉट, हम जो एनिमा पॉट इस्तेमाल करते हैं, बस्ती कैसा चाहिए तो निर्वात चाहिए, फिर उसको निर्वात करने के लिए एनिमा पॉट में तेल डालते हैं, वो कैथेटर पूरा तेल से भरते हैं, या कैथेटर पहले पखवाशय में पुश करते हैं और गुदे पर प्रविष्ट होता है तो जहाँ वाल गैसेस होते हैं पूरे गैसेस निकल जाते हैं, उसके बाद में पॉट में से पूरा तेल नली में चला जाता है, उसको बोलते हैं सस्नेह, और निरुह बाद में काढ़ा उसके ऊपर डालते हैं, तो जब पकवाशय में तेल आगे भागता है और बाद में काढ़ा पीछे से भागता है, इसलिए पेशेंट को मरोड़ आता नहीं, सामावस्था होंगी तो तेल तकलीफ देता नहीं। और जो अपना निरुह संयोजन विधि है उसमें माक्षिकम लवणम स्नेहा कलकम क्वाता इति क्रम आदि बताया, ये क्रम बनाने के बाद में जब हम एनिमा पॉट में उसको डालने जाते हैं तो तेल ऊपर तरंग के आता है और काढ़ा पहले जाता है, निरोध संयोजन विधि में काढ़ा पहले जाने की वजह से पेट में दर्द, मरोड़ या पकवाशय में कोलाइटिस या सूजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और पेशेंट फिर आगे बस्ती लेता नहीं, इसलिए नाना जी ने सस्नेह निरोध यानी उसमें स्नेह पहले डालते हैं और बाद में काढ़ा डालते हैं, इसलिए स्नेह आगे भागता है बाद में काढ़ा जाता है, तो बिना मरोड़ का बस्ती होता है। और ज्यादा करके हमारे पास नए पेशेंट जब आते तो सामावस्था वाले ही रहते हैं, ऐसे पेशेंट को व्यत्यासात बस्ती हम दे नहीं सकते क्योंकि सामावस्था वहां होती है तो तेल का एनिमा देना गलत है, इसलिए पहले दिन में हम सस्नेह निरोवस्ती देते, जरूरत लगी तो दूसरे दिन भी हम स्नेह की मात्रा बढ़ा के सस्नेह निरोवस्ती देते, तीसरे दिन भी हम सस्नेह निरोवस्ती देते। मलावस्तंभ है तो हम पहले उसको तेल दे के रखते पकवाशय में 5-10 मिनट रुकते और उसके बाद में काढ़ा देते, तेल अंदर रहता है तो खड़े भीगते हैं और बाद में काढ़ा दिया तो खड़े आज इजिली निकलते बिना दर्द करके निकलते, इसको बोलते सस्नेह निरोह बस्ती, स्नेह पहले जाता है और बाद में निरोह जाता है, ये पूरा चिकित्सा करते वक्त व्यत्यासात बस्ती अनुवासन बस्ती की साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए स्नेह की मात्रा आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई अड़चन नहीं, 200 ml तक आप तेल डाल सकते हैं स्नेह निरोह। और कोई शंका होगी तो बताइए। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें, माधव मस्के माइक म्यूट कर दीजिए तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। सर दूसरा एक प्रश्न था कि वो कांजी लेप क्या है, वो समझा नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अपने पास जो भी शोथर लेप, दशांग लेप या कोई भी लेप होगा आपको, तो लेप पकाने का विधि हमको मालूम है, पानी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, पका के हम वहां लंबर रीजन पे घुटने के ऊपर लेप लगाते हैं, लेप का
प्रदेय और प्रलेप आपको मालूम है, इसलिए प्रलेप की प्रक्रिया जो रहती है उसमें खिंचाव आने के लिए आम्ल रस वाला कोई भी द्रव्य आप ज्यादा करके, मैं कोई भी इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग प्रयोग आपको करने हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने आमसुल डाल के भी लेप लगा के देखा है गर्म पानी में, तो इसलिए कांजी बनाने का विधि जो रूटीन हम रस शास्त्र में इस्तेमाल करते हैं वैसा ही है। उसको वो लेप के द्रव्य में डालकर गर्म करते हैं और फिर गर्म करने के बाद में वो बारीक बारीक प्रलेप लगाया घुटने के ऊपर, तो घुटने की सूजन जल्दी उतरती है, दर्द भी जल्दी कम हो जाता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में ज्यादा रिजल्ट उसको आम्ल रस का जो लेप है उसका जो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, वहां का स्टिफनेस भी जल्दी कम हो जाता है, इसलिए वो कांजी का द्रव्य का इस्तेमाल। उदयपुर में लंबर स्पॉन्डिलोसिस के काम करने वाला गुप्ता करके वो उसका इस्तेमाल करता है। बोलिए। और प्रश्न और आया है कि वृद्धावस्था में वात की वृद्धि होती है, ऐसे समय 60 के ऊपर जो उम्र के ऊपर पेशेंट है उसमें बस्ती नस्य वमन आदि पंचकर्म कैसे करे या नहीं, उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। उसकी प्रकृति कौन सी है, वात प्रकृति वाला है, वात विकृति वाला है, या वात की अभी उसकी प्रवृत्ति है वृद्धावस्था या वात की प्रवृत्ति है उस, इसलिए वात का जो उपक्रम मैंने बताया वातस्य उपक्रमा स्नेहा सेदा, तो उसको कंपलसरी करना है, तेल लगाना है, गर्म पानी से स्नान करना है। वोमन की अवस्था फिक्स है, तत्र उत्कृष्ट समुत्कृष्ट कफे प्राय चले मुझे, उत्क्लेश है जी मचल रहा है तो ही वोमन, आपने 5 दिन स्नेहपान दिया है लेकिन उत्क्लेश नहीं तो वोमन देने को मना है, ये ध्यान में पक्का रखो। विरेचन के लिए उसको जरूरत है क्या विरेचन की, उस हिसाब से स्निग्ध विरेचन। आप वृद्धावस्था में मलावस्तंभ का प्रॉब्लम रहता ही है, इसलिए अधिवासन बस्ती सबसे अच्छा मात्रा बस्ती दो, जरूरत लगी तो थोड़ा सा एरेंड स्नेह का विरेचन कर्म आप कर सकते हैं। नस्य प्रतिमर्शन नस्य कंपलसरी करो, हफ्ते में एक बार शिरोबस्ती करने को बोलो। हमने ये प्रोटोकॉल भी बनाए थे, रिटायर होने वाले आदमी को क्या क्या करना है, रिटायर होने के बाद मानसिक और शारीरिक दोनों ही अवस्था उसकी देख के उसके प्रोटोकॉल बना के रखना है। गर्भिणी पेशेंट की गर्भिणी यूपीटी पॉजिटिव होने के बाद 1 महीना 10 दिन से लेके 9 महीने 9 दिन तक का प्रोटोकॉल आप बना के रखो। बालकों का प्रोटोकॉल बना के रखो, जन्म से लेके साधारणपणे 14 साल या 16 साल तक बाल की प्रवृत्ति बताई, तो हर महीने का उसका प्रोटोकॉल बना के रखो। तो उसमें आपको वैसे वृद्धावस्था की प्रोटोकॉल बनाओ, स्नेहन स्वेदन शिरोबस्ती हफ्ते में एक बार, बीच बीच में मात्रा बस्ती अनुवासन बस्ती, मधुर आम्ल लवण द्रव्य आहार में देने का है, आहार विहार में दिनचर्या बना के दे दी 15 दिन में 3 हफ्ते में 3 महीने में उसको आपने फॉलो अप किया तो वृद्धावस्था अच्छी होने में आपको मदद मिलेगी। और अमित सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज करो म्यूट करो, सिर्फ आपका प्रवीण सर का चालू रखो। दीप्ति म्यूट ऑल कर दीजिए एक बार। रवि सर तुम्हारा चालू करो। हाँ हाला हाला ये तो आवाज। घटी यंत्र के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, ऐसा प्रश्न है वो समझा नहीं है। हाँ घटी ये रक्तमोक्षण का एक प्रकार बताया है। तो घटी यंत्र का वागवर्ड में भी श्री पूर्णन आता है, तो घटी यंत्र यानी प्रच्छान करना है, फिर उसके ऊपर मेणबत्ती रखनी है और फिर घटी लगा के उसमें से खून निकालना है। लेकिन आप मसल्स को पुल करने के लिए प्रच्छान कर्म छोड़ दिया, सिर्फ मेणबत्ती रखते हैं और उसके ऊपर कांच का ग्लास रख देते हैं जिससे वो मसल्स खींच, इसलिए उसको बोलते हैं घटी यंत्र, यानी मसल रिलैक्स करने के लिए घटी यंत्र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जहां आपको जरूरत है एक अंगुल तक की दोष दृष्टि है तो वहां भी आप घटी यंत्र कर सकते हैं। प्रच्छान करना है और उसके ऊपर मेणबत्ती रख के घटी यंत्र लगा दिया तो एक वहां से निकल सकता है। तो रक्तमोक्षण का एक प्रकार है घटी यंत्र, चरक में उसका वर्णन आपको मिलेगा, भागवत पे भी उसका सिर्फ शब्द आया घटी यंत्र। और आप ग्लास के अलावा ये भी ले सकते हैं, लोटा भी ले सकते हैं घटी यंत्र लगाने के लिए, प्रवाही के लिए भी काम में आता है, बाकी पेट के दर्द के लिए भी घटी यंत्र का इस्तेमाल, पुराने जमाने में लोग नाभि बिठाना बोलते थे तो उसका घटी यंत्र का इस्तेमाल करते थे।
सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट रहते हैं बाम्बू स्पाइन, उसमें आप मतलब क्या कैसे करते हैं? टोन बंद कराए सकते हैं जो एचएलवी सेवन वाले जो पेशेंट आते हैं आपके पास, तो उसमें बाम्बू स्पाइन होता है यानी क्या होता है, स्तंभ वह अवलंबक कफ का इस्तेमाल आप ज्यादा करके उसके तरफ ज्यादा ध्यान दो, अवलंबक कफ की तरफ, और फिर मज्जा धातु, अस्थि धातु और वहां का अपानुभवी की दृष्टि, और उसके हेतु ढूंढना है एचएलवी 27 वाले की जो हेतु आपको मिलेंगे उस हेतु के हिसाब से निदान परिवर्जन पहले करना है, फिर शोधन। अभी 3 या 4 मन के इकट्ठा हो गए, उनके मसल जो है शिरा और स्नायु उनको आप रिलैक्स कैसे कर सकते हैं उसके तरफ आपको ध्यान देना है। ये उसका जो प्रोटोकॉल है वो पहले 3 या 4 या 5 शोधन बस्ती देना है, पट्टी बस्ती उसको लगाना है, लेप की प्रक्रिया कर बदल बदल के हम कर सकते हैं। उसके बाद में रोटी का सेक कटी बस्ती से बाम्बू को पकड़ने वाले रिलैक्स होना चालू हो जाता है, और उसके बाद में फिर मज्जा सिद्ध तेल नैतंत्र, उसके बाद में जरूरत लगी तो बस्तांड घृत हमने बनाया था उसका भी, बस्तांड घृत का सबसे ज्यादा बस्तांड में ताकत ज्यादा रहती है तो उसका भी 30 ml से 50 ml तक बस्ती दे सकते हैं। मज्जा सिद्ध तेल का 100 ml 125 ml का बस्ती दे सकते हैं। और दिमाग में आम सामावस्था कितनी है, आमवाद का ही वो प्रकार है एचएलवी 27 या बाम्बू स्पाइन, इसलिए उसके आहार में या आमाशय में कहीं ना कहीं आम की निर्मित होती है क्या, उसको स्ट्रिक्टली बंद करना है। बल्ला तक बहुत अच्छा काम करता है, लहसुन अच्छा काम करता है, कुबेर एचएलवी 27 में बहुत अच्छा काम करता है। उसको अलग अलग टाइप की योगासन बताने हैं और मसल्स को रिजिडिटी उसकी कम से कम आप कैसा रख सकते हैं वो करना है। ज्यादा करके ये याद ये दिमाग में पक्का रखना है, जितना है उतना हम रोक सकते हैं, उससे और अच्छा 25-30% भी अच्छा कर सकते हैं तो भी उसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को अग्निकर्म से बहुत अच्छा फायदा उसमें एचएलवी 27 में मिलता है, लेकिन अग्निकर्म पूरी अमावस्या निकलने के बाद ही करना है, यानी वो पिचड़ने का कार्यक्रम वहाँ होता नहीं है, वहाँ का वक्त दगदग की प्रक्रिया लंबी होती नहीं, इसलिए अग्निकर्म जहाँ जहाँ आप शोध स्नेहन स्वेदन करते रहेंगे तब आपको ध्यान देना है कहाँ कौन से पॉइंट पे अग्निकर्म करना है। वहाँ अग्निकर्म करवा दिया तो वहाँ के जो हलचल है मसल्स की वो अच्छी तरह तुम्हारी शुरू हो जाती है। अग्निकर्म कर सकते हैं, जलौका का भी 2-4 लोगों को रिजल्ट मिला है आपको, उसके साथ अवैस्कुलर नेक्रोसिस वाले को भी खोबरे का तेल पिलाना है, उसको जलौका लगानी है, उसको भी मज्जा सिद्ध तेल सर्पिक शीर तिक्तरस बस्ती और मज्जा धातु और रक्त दृष्टि वाले जो चिकित्सा है उसमें करवा दिया तो अवैस्कुलर नेक्रोसिस वाले भी पेशेंट बहुत फटाफट अच्छे हो जाते। खोबरे का तेल यानी वसा, ये दिमाग में रख के उसका स्नेहपान भी हम करवाते, उसका बस्ती भी देते, उसका उपनाम भी देते हैं, वहाँ उसको जलौका भी लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे एनाल्जेसिक ड्रग 2-4 जो उसको खाने पड़ते हैं वो खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे जल्दी वो दर्द कम हो जाता है वैस्कुलर नेक्रोसिस का। और कुछ नी जॉइंट के जो पेशेंट है जिसमें बहुत ज्यादा वक्रता आ जाती है तो वो लगभग असाध्य के इसमें चले जाता है, तो उनको कैसा करें, वक्रता ठीक होती है या नहीं, या वक्रता मसल्स की वजह से क्या, अस्थि धातु की वजह से, उतना आपको देखना है। मैंने वात निदान स्थान आप निकालेंगे तो वात अस्थिगत गया है कि मज्जागत गया है, अस्थिगत वात के भी लक्षण वहां निदान स्थान में दिए, मज्जागत वात के भी लक्षण दिए, इसको एक मदद एलोपैथी वालों की जो अनशन चिकित्सा आपने यहाँ बोला है, लेकिन आपने यहाँ अनशन यानी क्या करेंगे, तो उसके लिए वो रोल करके जैसा अपन लंबर ट्रैक्शन लेते हैं वैसा रोल करके एक प्रकार फिजियोथेरेपी में आता है, आपको मालूम होगा, तो देखो यानी पूरा रोल बांधते हैं और उसके बाद में उसको ट्रैक्शन देते हैं पांव को, सिर्फ पिंडलियों को रोल बांधते हैं, तो यह घुटने को आपको अच्छी तरह स्नेहन स्वेदन करवाने के बाद में, उपनास स्वेद करने के बाद में मांडी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स कितने स्निग्धे हुए हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हुई है व्यायाम के बाद में, वो देख के फिर वो आंचन प्रक्रिया आपने करवाई तो उसका टेढ़ापन 25-30% तक हम कम कर सकते हैं और उसे चलने में दिक्कत आती नहीं है और जीज भी कम हो जाती है, दर्द में भी फर्क पड़ता है, तो फिजियोथेरेपी की वो आंचन की जो मदद आपको लेना पड़ती है, आप अपने दवाखाने भी वो प्रक्रिया 5-7 kg का वेट लगा के आप उसको करवा सकते हैं और उससे ज्यादा फायदा मिलता है और वक्रता बहुत सारी कम हो जाती है। और धन्यवाद सर, अभी मैं आदरणीय भट्टर सर से विनती करता हूँ
कि आप अध्यक्ष या समारोह करें आज के इस सेशन का। धन्यवाद अमित। आज प्रवीण सर ने बहुत ही छोटी छोटी बातें बहुत ही आसान तरीके से अपने को बताई हुई है। पूरी जिंदगी का उनका खजाना पूरे डेली आपने सामने उन्होंने खोल कर रखी है। हम जब डिस्कशन करते हैं तभी यही बोलते हैं कि तुम द्रव्य के पास जाओ मत, चिकित्सा सूत्र के पास जाओ। वही वही उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा रहता, वही मार्गदर्शन यहाँ पर उन्होंने बताया। बहुत सी छोटी और सिंपल और कम कीमत वाली दवा से रुग्णों को ज्यादा से ज्यादा कितना उपशम मिलेगा वो उन्होंने बताया है। प्रवीण सर की हम सब माफी मांगते हैं कि आज बहुत ही डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत लोगों को हमने बताया भी था लेकिन लोग सुनते नहीं थे, उनका माइक चालू रखते थे, इसलिए प्रवीण सर आपको भी तकलीफ हुई, इसके लिए हम सपा की तरफ से आपकी माफी मांगते हैं। लेकिन वापस आपका एक लेक्चर हमको चाहिए क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बातें आपने बताई है जो अभी मैं आपके साथ ही 30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे पता नहीं थी वो मुझे भी पता चली। तो ये नए लड़कों को या हमारे श्रीरामपुर तालुका मेडिकल एसोसिएशन के सभी वैद्यों को इससे जरूर फायदा होगा। इसके साथ पूरे देश से जुड़े हुए MP, UP, गुजरात से और महाराष्ट्र से जुड़े हुए सब वैद्यों को इसका बहुत ही फायदा होगा। आप सभी को यही कहना है कि आप चिकित्सा सूत्र ख्याल में रखो। हमने अभी 25 दिन से जो व्याख्यान माला चालू हुआ त्वैधि की, वो आज प्रवीण सर के अध्यक्षता यानी व्याख्यान से वो अभी खत्म करने जा रहे, समारोप कर रहे। उसके बाद अभी अन्न स्रोत यानी पित्तजवादी के बारे में हम सोचेंगे। प्रवीण सर तभी भी आपका हमको मार्गदर्शन लगेगा। इसी के साथ मैं आपका आभार हूँ, आभारी मानता हूँ क्योंकि आप शॉर्ट नोटिस पर ही आप तैयार हुए। 2 दिन पहले मैंने आपसे परवानगी ली और आप तुरंत हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हुए। वैसे तो प्रभा के जो लोग है या अब आयुर्वेद के जितने भी लोग है तो प्रवीण सर हमेशा आगे रहते, कुछ भी मन में ना रखते हुए सब चीजें बताते रहते, हमको हमेशा अनुभव है। वो आज के लेक्चर में अपने सभी को वो अनुभूति हुई होंगी। धन्यवाद अमित सर। ओके धन्यवाद रखू। धन्यवाद सर। तो इसी से आज का यह सेशन समाप्त हुआ ऐसा घोषित करते हैं। शुभ रात्रि।